ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक। इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना करते, मैं तुम्हारा हूं। जो धर्म मेरी मां ने मुझे सिखाया है उसे साक्षी मानकर वचन देता हूं, तुम्हारे गौरव और मर्यादा पर किसी भी परिस्थिति में आंच नहीं आने दूंगा। अपना हाथ दो। और यमराज और कौन होगा रावण के विनाश का कारण? कोई असुर, कोई राक्षस या कोई देव? एक स्त्री। वो स्त्री को ढूंढ कर उसकी हत्या कर दूंगा। एक्टर की शर्त नहीं मानी डायरेक्टर ओम राउत ने। किस तरह कृति के लिए किया गया तामझाम? कैसे हुई करीना और प्रभास की दोस्ती? दोस्तों, आदि पुरुष फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत ने प्रभास को श्रीराम के किरदार के लिए चुना, पर उससे पहले वो ये ऑफर ग्रीक गॉड कहलाए जाने वाले ऋतिक रोशन को दे चुके थे। वैसे ऋतिक अपने प्रोजेक्ट्स में काफी बिजी थे और उनके पास तो शूटिंग के लिए डेट्स भी अवेलेबल नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने एक बार उनकी बात सुन ली। पर उसका जवाब देते हुए उन्होंने ओम से ये कहा कि अगर उन्हें फिल्म की हीरो के तौर पर चुना गया है तो फिर वो कुछ चेंजेस बताएंगे और उस तरह से कास्टिंग में बदलाव होंगे। फिर प्रभास को रावण का किरदार देने के बारे में भी सोचा गया, पर ओम को कोई भी चेंजेस नहीं करना था स्टोरी में और इसीलिए उन्होंने ऋतिक को ऑप्शन ही छोड़ दिया और प्रभास को राम और विलन के तौर पर सैफ अली खान को चुन लिया। पर शायद अब ऋतिक को इतनी बड़ी फिल्म छोड़ने का पछतावा हो। टीजर ने तो धमाका नहीं किया था, पर आदि पुरुष के ट्रेलर ने ऑडियंस का दिल ही जीत लिया। पर ट्रेलर के वक्त मौजूद कृति सनन, जो आदि पुरुष में माँ सीता का रोल निभा रही है, उनकी सादगी ने भी सबका दिल जीत लिया। इस ट्रेलर के वक्त उनकी पहनी हुई कॉटन की साड़ी काफी ज्यादा भाव खा गई, बल्कि ये तो सोने की साड़ी थी। 24 कैरेट सोने के साथ बनाई गई इस साड़ी के पीछे डिजाइनर अब्बू जानी एंड संदीप खोसला का हाथ है। कृति के इस लुक पर प्योरिटी ऑफ सीता कहकर उन्हें सराहाया गया। कृति ने अपने किरदार को समझते हुए ये सीखा कि सीता माँ ने कितना भी दर्द सहा हो, पर वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी थी। उनकी सादगी और मासूमियत एक तरफ और अटूट विश्वास एक तरफ, और कृति ने पूरी कोशिश की है अपने किरदार को जस्टिस देने की। आदि पुरुष फिल्म की वजह से सैफ अली खान और प्रभास के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई। हालांकि ये दोनों बिल्कुल अपोजिट किरदार निभा रहे हैं, जिसमें प्रभास बने हैं श्रीराम यानी कि फिल्म के हीरो और सैफ अली खान बने हैं रावण यानी कि फिल्म के विलेन। पर ये दोस्ती पुरानी है ये हम कह सकते हैं, क्योंकि आदि पुरुष फिल्म की शूटिंग के शुरू होने से काफी पहले प्रभास ने सैफ के साथ करीना कपूर को भी एक जबरदस्त ट्रीट दी थी। इसमें शामिल थी हैदराबादी बिरयानी और बहुत सारा डिलीशियस खाना। वैसे ये तो प्रभास की खासियत है कि वो हर किसी को अपने घर का खाना खिलाकर खुश कर देते हैं और उनका दिल जीत लेते हैं। और ऐसा ही हाल हुआ करीना कपूर का, जो इतनी जल्दी पिघलती तो नहीं है, पर वो यहाँ पर पिघल गई। तो उन्होंने भी प्रभास के घर का खाना एंजॉय किया और इसी तरह वो भी प्रभास की जबरा फैन बन गए। वो सैफ के किरदार के साथ साथ प्रभास के किरदार के लिए भी बेहद एक्साइटेड है। तो दोस्तों, आप आदि पुरुष के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कमेंट सेक्शन। पिछले साल पूरे गाजे बाजे के साथ प्रभास की फिल्म आदि पुरुष का टीजर आया था, जिसके आते ही इसकी आलोचना शुरू हो गई थी। इसके VFX का लोगों ने न सिर्फ मजाक उड़ाया बल्कि डायरेक्टर ओम राउत को बहुत भला बुरा भी कहा। किसी ने इसे गेम ऑफ थ्रोन्स की कॉपी कहा तो किसी ने इसे टेंपल रन गेम की कॉपी बताया। सैफ अली खान को उनकी दाढ़ी के लिए भी ट्रोल किया गया, लेकिन अब फिल्म के एडिटर आशीष मात्रे ने बताया कि इतनी क्रिटिसिज्म के बाद भी फिल्म में कोई खास बदलाव नहीं किए जाएंगे।
आदि पुरुष में रामायण को रिक्रिएट किया जाएगा, जिसमें राम प्रभास, जानकी कृति सेनन और लंकेश सैफ अली खान बने हैं। इसके टीजर आने के बाद कई लोगों ने ये भी कहा था कि इसे देखकर उनकी धार्मिक भावनाएं भी आहत हुई है। अब एक इंटरव्यू में फिल्म के एडिटर आशीष ने इन सब पर बात की और कहा कि हमारी पूरी टीम बहुत शॉक में थी जब टीजर को ऐसा रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि हमने ऐसे रिएक्शंस की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। ओम राउत का विजन बहुत क्लियर था, जब उन्होंने हमें फिल्मों के कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन किया तो वो बहुत क्लियर थे कि उन्हें स्टोरी में क्या चाहिए। उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा था कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। उन्होंने बस कुछ नामों में बदलाव किए ताकि वो यूथ को अपील करे। साथ ही आशीष ने कहा कि मुझे लगता है कि हम जो चाहते ही थे कि ऑडियंस तक पहुंचे, वो उस तरीके से पहुंचा नहीं। दो चीजें हुई होंगी, एक तो ये कि लोगों ने इस नई दुनिया की उम्मीद नहीं की होगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही राम और सीता को अलग अवतार में देखा। अब आप ये सोचिए, नमस्ते, दाढ़ी, बाल तो नेचुरल चीज है, वो सबको आती ही है। अब लोगों ने उस लुक में अपने फेवरेट्स को देखा जो टीवी पर आई रामायण से बिल्कुल अलग है। हो सकता है कि आदि पुरुष वैसी ना रही हो। दूसरी वजह यह है कि बहुत से लोगों ने टीजर को भी 3D में नहीं देखा, उन्होंने अपने मोबाइल फोन पर इसे देखा। बाद में जब उसी टीजर को 3D में देखा गया तो उनके विचार बदल गए। साथ ही जब आशीष से ये पूछा गया कि क्या इतनी आलोचनाओं के बाद वो फिल्म के VFX में कुछ बदलाव करेंगे, तो उन्होंने कहा कि एक VFX फिल्म में कई तरह के एक्सपेक्ट्स होते हैं, इसे पोस्ट प्रोडक्शन के समय तय किया जाता है, जैसे इसके लेआउट्स, एनिमेशन वगैरह। ये मेरे करियर की पहली ऐसी फिल्म है जिसमें मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो बिल्कुल भी आसान नहीं है। वो बहुत सारी डिटेलिंग मांगती है जिसे मेकिंग ऑफ द फिल्म में ऑडियंस भी देख सकेगी, इसमें बहुत समय लगता है। आशीष ने कहा कि आलोचना के बाद भी फिल्म में कुछ खास बदलाव नहीं किए गए हैं, हमने वैसे ही फिल्म बनाई है जैसे पहले प्लान किया गया था। हमने कुछ सीन्स में बदलाव किए हैं क्योंकि उनमें बदलाव की जरूरत थी। हमने जिस तरह फिल्म बनानी शुरू की थी वो विजन आज भी है, क्योंकि हमने पहली बार में कोई गलती नहीं की थी जिसे बार बार सही किया जाए। आशीष ने कहा कि मैं बस इतना कह सकता हूँ कि जब तक लोग इस फिल्म को देखने थिएटर्स में नहीं आएंगे, तब तक उनको पता नहीं चलेगा कि हमने कौन सी दुनिया बनाई है। हम उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इसे बस महसूस किया जा सकता है। लोगों ने रामायण को टीवी पर देखा है, ये हमारा वर्जन है, हर कैरेक्टर के साथ इमोशंस जुड़े हैं, हमने जिस तरह सोचा था वैसे। साउथ सुपरस्टार प्रभास की मच अवेटेड फिल्म आदि पुरुष फिल्म का ट्रेलर 9 मई 2023 को रिलीज किया जाएगा। वहीं अब टीम ने मेगा लॉन्च की घोषणा करते हुए पैन इंडिया स्टार प्रभास अभिनीत एक नया पोस्टर जारी किया है। ओम राउत द्वारा निर्देशित और भूषण कुमार द्वारा निर्मित फिल्म आदि पुरुष ने पहले से ही एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है कि इसे ट्रिबेका फेस्टिवल में अंतरराष्ट्रीय प्रीमियर के लिए चुना गया है। वहीं अब ट्रेलर लॉन्च की तैयारी है। कुछ देर पहले ही मेकर्स ने सोशल मीडिया पर फिल्म से प्रभास का एक नया पोस्टर जारी करते हुए आदि पुरुष के ट्रेलर लॉन्च की जानकारी दी है, जिसके मुताबिक ट्रेलर को विश्व स्तर पर दिखाया जाएगा क्योंकि इसे न केवल भारत में बल्कि 70 देशों में लॉन्च किया जाएगा। ये वास्तव में एक वैश्विक आयोजन होने का प्रतीक है। बता दें कि आदि पुरुष के ट्रेलर का भव्य लॉन्च न सिर्फ इंडिया में बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सहित एशिया और दक्षिण एशिया के क्षेत्र जैसे कि सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, हांगकांग, फिलीपींस, म्यांमार, श्रीलंका, जापान, अफ्रीका, ब्रिटेन, यूरोप, रूस, मिस्र, ये सभी जगहों पर ये कहानी दर्शकों को एडवेंचर, ड्रामा और एक्शन की दुनिया से रूबरू करवाएगी। प्रभास की फिल्म आदिपुरुष वाल्मीकि लिखित रामायण पर आधारित है, जिसमें प्रभास श्री राम और कृति सेनन माता सीता का किरदार निभा रही है। वहीं सनी सिंह, लक्ष्मण और सैफ अली खान रावण के रोल में दिखाई देंगे। फिल्म को 16 जून को रिलीज किए जाने की तैयारी है। ऐसे में रिलीज को लेकर बड़ी तैयारियां चल रही है। फिल्म का बजट 500 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है। इस तरह फिल्म को लेकर काफी कुछ दाव पर लगा हुआ है। आपको फिल्म का कितना इंतजार है ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो
क्या प्रभास बाहुबली की तरह आदि पुरुष से भी रचेंगे इतिहास? क्या है प्रभास की नेटवर्थ? उनके कार्स के कलेक्शन सुनकर आप चौक कैसे जाएंगे? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीक्राफ्ट स्टूडियोज, मैं सोनिका जेआर। दोस्तों, प्रभास टॉलीवुड के सुपरस्टार है, लेकिन अब उन्हें पैन इंडिया स्टार कहा जाता है। प्रभास रेबल, मिर्ची, मुन्ना, बाहुबली जैसी फिल्में करके इंडस्ट्री में छा चुके हैं। प्रभास अपने शानदार एक्टिंग के बदौलत करोड़ों के मालिक है। उनकी गिनती टॉलीवुड के सबसे अमीर स्टार्स में से होती है। प्रभास की कमाई का मेन साधन है उनकी फिल्में और एड्स। रिपोर्ट्स की माने तो प्रभास हर फिल्म के लिए 15 से 40 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इसके साथ ही वो जिन ब्रांड्स का प्रचार करते हैं उनसे भी मोटी रकम आती है। रिपोर्ट्स की माने तो उनकी टोटल नेटवर्थ है 215 करोड़। प्रभास एक आलीशान घर में रहते हैं। उनकी कीमत घर हैदराबाद की प्राइम लोकेशन पर है। रिपोर्ट्स की माने तो प्रभास के घर की कीमत है 65 करोड़, जिसमें कि वो 2014 में शिफ्ट हुए थे। प्रभास को महंगी कार्स का भी बड़ा शौक है। उनके कार कलेक्शन में स्क्वाडा सुपर, BMW X3, जगुआर XJR, रेंज रोवर और दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक रॉय फैंटम शामिल है। वहीं इन दिनों प्रभास आदि पुरुष को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा में है। जिस तरह से उनका कैरेक्टर भगवान श्री राम का है और माइथोलॉजिकल कैरेक्टर में एकदम सटीक बैठते हैं प्रभास, बाहुबली से भी उन्होंने तहलका मचाया। दूसरा टीजर, किस खास दिन को किया गया लॉक? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, बाहुबली स्टार प्रभास और कृति सैनन की मोस्ट अवेटेड और बिग बजट फिल्म आदि पुरुष का फर्स्ट टीजर तो हमने देख ही लिया है, जो 2 अक्टूबर 2022 को रिलीज किया गया। फिल्म का टीजर देखने के बाद कुछ लोगों ने तारीफ की तो कुछ लोगों ने काफी नेगेटिव कमेंट्स भी किए, पर अब इसी के चलते मेकर्स ने फिल्म का दूसरा टीजर रिलीज करने का फैसला किया है और इस टीजर के लिए मेकर्स ने खास दिन को फाइनल किया है। आप यूं कह सकते हैं कि इस दिन के अलावा कोई और बड़ा दिन इस टीजर रिलीज के लिए हो ही नहीं सकता है। तो इसी साल 30 मार्च को दूसरा टीजर हमें देखने को मिलेगा और इस दिन को है रामनवमी। तो बताइए, इससे बड़ा कोई और दिन हो सकता है भला? दोस्तों, वैसे इस टीजर को लेकर फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत ने कहा है कि पहले टीजर को काफी नेगेटिव रिस्पांस मिला, जिसमें हमें काफी बुरा भी लगा, पर हम सब अब बेहतरीन चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि ऑडियंस को ये दूसरा टीजर जरूर पसंद आएगा। दोस्तों, वैसे फिल्म में प्रभास, कृति सैनन के साथ साथ एक्टर सैफ अली खान नजर आने वाले हैं, जो रावण का रोल निभाएंगे, तो वहीं एक्टर सनी सिंह लक्ष्मण का किरदार निभाएंगे। दोस्तों, देखा जाए तो आदि पुरुष एक बिग बजट फिल्म है और पहले टीजर के बाद ऐसा कहा गया है कि मेकर्स ने VFX पर फिर से काम किया है और उसके लिए करोड़ों रुपए बहाए हैं। अब करोड़ों रुपए बहाने का काम तो फिल्म के प्रोड्यूसर्स ही करेंगे, यानी कि भूषण कुमार। फिल्म के प्रोड्यूसर जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, यानी कि ओम राउत और बाकी लोग। तो देखते हैं फिल्म के दूसरे टीजर को ऑडियंस की तरफ से कैसा रिस्पांस मिलता है। आप बताइए, इस खबर को सुनने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस स्टार की सबसे बड़ी फिल्म आदि पुरुष के मेकर्स ने आज फैंस के साथ एक खास पोस्टर शेयर करके सुबह सुबह ही फैंस को चौंका दिया है। अब सीता नौकरी के शुभ अवसर पर निर्माताओं ने आदि पुरुष से सीता नुक्का दिव्य पोस्टर लॉन्च किया है। 16 जून 2023 को रिलीज हो रहे इस मैग्नम ओपस में प्रभास, कृति सैनन, सैफ अली खान, सनी सिंह समेत कई कलाकार शामिल हैं। पोस्टर को देखते ही बस सोशल मीडिया पर तारीफों की बाढ़ सी आ गई है। जैसा कि सीता नवमी माँ सीता की जयंती और त्याग समर्पण की शुरुआत का जश्न बनाती है, निर्माता देवत्व का एक खास प्रतीक प्रकट करते हैं, जो अधर्म को हराने के लिए धर्म की स्थापना का प्रतीक है। इसीलिए ही इस पवित्र दिन पर मेकर्स ने आदि पुरुष से सीता माता का सोमवें लुक रिलीज किया है। दोस्तों, जिसमें कि वो नारंगी साड़ी में बिंदी सिंदूर लगाए, आंखों में आंसू लिए किसी का इंतजार करती प्रतीत हो रही है। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज नजर आ रहा है। साथ ही इस शुभ अवसर पर जय सियाराम के अनमोल मंत्र को सारी वर्जन में रिलीज किया गया है। आदि पुरुष साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है और प्रभास फिल्म में अयोध्या के राजा राघव का किरदार निभा रहे हैं। कहानी 7,000 साल पहले सेट की गई है और इसमें अपनी पत्नी जानकी को बचाने के लिए
राघव की लंका यात्रा को दर्शाया गया है, जिसे लंकेश ने अपहरण कर लिया था। सैफ अली खान लंकेश यानी कि रावण के रोल में है और आदि पुरुष तेलुगु सिनेमा में अपनी शुरुआत कर रहे हैं। फिल्म आदि पुरुष ओम राउत द्वारा निर्देशित टी सीरीज भूषण कुमार और कृष्ण कुमार रेड्रोपाइस के ओम राउत, प्रसाद सुदार और राजेश नायर की बनाई और 16 जून 2023 को विश्व स्तर पर रिलीज होगी। इससे पहले रोशनी की चमक और मंत्रों की गूंज के साथ आदि पुरुष के मेकर्स ने रामनवमी के शुभ अवसर पर फिल्म का शानदार पोस्टर रिलीज किया था। उस पोस्टर में राघव के रूप में प्रभास, जानकी के रूप में कृति सनन, शेष के रूप में सनी सिंह और बजरंग के रूप में देवदत्त नाग को उन्हें प्रणाम करते हुए दिखाया गया था। ये फिल्म प्रभु श्री राम की गुण को आगे बढ़ाती है, जो धर्म, साहस और बलिदान पर जोर देती है, जो कि पोस्टर में सही ढंग से दिख रहा है। दोस्तों, आदि पुरुष का नया पोस्टर शेयर करते हुए प्रभास ने लिखा, मंत्रों से बढ़कर तेरा नाम, जय श्री राम। तो आप फिल्म का कितना इंतजार कर रहे हैं, ये हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर। अक्षय तृतीया के पावन मौके पर ओम राउत ने अपने फिल्म आदि पुरुष का मोशन पोस्टर शेयर किया है। ये पोस्ट एक छोटे से गाने के साथ है, जिसे 5 अलग अलग भाषाओं, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में जय श्री राम के एक शानदार ऑडियो क्लिप के साथ शेयर किया गया है। इस गीत को कंपोज अजय अतुल की पॉपुलर जोड़ी ने किया है और ये गाना मनोज मंतुशिर ने लिखा है। इस मोशन पोस्ट के अंत में आपको श्री राम का किरदार निभा रहे प्रभास धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर युद्ध वाले अंदाज में नजर आएंगे। पीछे जय श्री राम का उद्घोष चल रहा है। पोस्ट शेयर करते हुए ओम राउत ने कैप्शन में लिखा, जब ना जा पाओ सारे धाम तो बस ले लो प्रभु का नाम, जय श्री राम। आदि पुरुष डायरेक्टर ओम राउत की इस फिल्म का निर्देशन टी सीरीज भूषण कुमार और कृष्ण कुमार, ओम राउत, प्रसाद सुतार और रेट्रोफाइल्स के राजेश नायर ने किया है। ये फिल्म 16 जून 2023 को दुनिया भर में रिलीज होगी। बता दें कि फिल्म का टीजर पिछले साल ही रिलीज हुआ था, जिसके बाद इसके किरदारों के लुक और फिल्म के ग्राफिक्स को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। लोगों ने फिल्म के ग्राफिक्स को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया था। पहले आदि पुरुष इस साल जनवरी में रिलीज होने वाली थी, लेकिन लोगों के एतराज को देखते हुए इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया और फिल्म के VFX पर नए सिरे से काम शुरू किया गया। अब इसे जून के महीने में रिलीज किया जाएगा और इससे पहले रामनवमी पर भगवान श्री राम और हनुमान जयंती पर हनुमान जी का लुक भी शेयर किया गया था। प्रभास और कृति सनन स्टारर फिल्म आदि पुरुष रिलीज से पहले काफी चर्चा में है। आदि पुरुष में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की कहानी को दिखाया जाएगा। हालांकि फिल्म की कहानी और लुक्स को लेकर काफी बवाल हो रहा है। अब हनुमान जयंती के मौके पर फिल्म मेकर्स ने पवन पुत्र हनुमान का एक नया पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में हनुमान राम भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर में हनुमान के लुक को थोड़ा सा बदला हुआ दिखाया गया है। जिस लेदर की जैकेट को लेकर विवाद हो रहा था, वो पोस्टर में दिखाई नहीं दे रही है। पोस्टर में हनुमान को रुद्राक्ष की माला और जनेऊ धारण किए हुए दिखाया गया है। एक बड़ी शिला पर बैठे हनुमान राम भक्ति में लीन है। बैकग्राउंड में राम यानी प्रभास का चेहरा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, तरुण आदर्श ने हनुमान जी के पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा है, राम के भक्त और राम कथा के प्रांजय पवन पुत्र हनुमान। बता दे आदि पुरुष में हनुमान का किरदार एक्टर देवदत्त गजानन निभा रहे हैं। देवदत्त खुद हनुमान भक्त है। देवदत्त कई मराठी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। उनके फिटनेस की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। इससे पहले आदि पुरुष का एक पोस्टर रामनवमी के मौके पर रिलीज किया गया था। इस पोस्टर में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान को दिखाया गया है। पोस्टर को लेकर काफी विवाद हो रहा है। पोस्टर में जनेऊ और सीता माता की मांग में सिंदूर न दिखने पर बवाल हो रहा है। वहीं इससे पहले आदि पुरुष के टीजर को लेकर भी काफी हंगामा हुआ था। टीजर में दिख रहे हनुमान के लुक और वेशभूषा को लेकर विवाद शुरू हुआ था। दरअसल टीजर में हनुमान को लेदर की पट्टी नुमा जैकेट पहने हुए दिखाया गया है, जिसे लेकर विरोध किया गया था। आप कलयुग की राम भक्ति देखने को कितना तैयार है, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।
तिगड़ी दिखने वाली है और फैंस इस ट्रायो को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जब ऐसा ट्रायो बनेगा तो वो एक ऐसी फिल्म बनने वाली है जो कि काफी खतरनाक होती है और ऑडियंस का दिल जीतेगी। तो अब क्या ये ट्रायो सही में खड़ा उतरेगा फैंस की उम्मीदों पर, या फिर फैंस की उम्मीदों पर फिरेगा पानी, ये तो समय ही बताएगा। आपको बता दें कि आदि पुरुष फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है। इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा था। अब ये फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी क्या धमाका होगा, ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है, और आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। कुछ कहानियों को इस तरह से लिखा जाता है कि हमें इस बात का पूरा यकीन होता है कि उस कहानी का असली स्टार कौन होने वाला है। जब ऐसी कहानियों को हम किसी फिल्म के तौर पर देखते हैं तो हमें पता है कि उस किरदार को निभाने के लिए हमें कोई दमदार एक्टर की जरूरत है, क्योंकि वो किरदार ही पूरी फिल्म को चलाने का भार उठा सकता है। जहां एक तरफ ऐसा काफी बार देखा गया है क्योंकि वो एक किरदार ही फिल्म को हिट या फ्लॉप बनाने की काबिलियत रखता है, वहीं आजकल लोग एक ऐसी कास्ट को रखना पसंद कर रहे हैं जो सभी एक से बढ़कर एक एक्टर हो और सब मिलकर फिल्म का भार संभाल पाए, क्योंकि ऐसी ही एक फिल्म हिट नहीं बनती। ऐसी कास्ट बनाते हैं एक ऐसी सुपरस्टार हिट फिल्म को जो कि हमें फिल्म को देखने के लिए मजबूर कर दे। हाल ही में हमने देखी एक ऐसी पैन इंडिया फिल्म RRR, जहां हमने एक ऐसी कास्ट देखी जिसने देश भर के फैंस का दिल जीत लिया, और अब लगता है कि ऐसा फिर से होने वाला है आदि पुरुष फिल्म के साथ में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रामायण से कहानी को इस तरह से इंस्पायर किया गया है कि हमें ये कहानी पसंद तो आने ही वाली है, और साथ में इसमें एक से बढ़कर एक एक्टर्स भी देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में हमें प्रभास और सैफ अली खान तो अदाकारी से फिल्म में जोर डालते हुए दिखेंगे ही, साथ में हमें दिखने वाली है कृति सानन भी। जी हाँ, कृति सानन जिन्होंने मिमी और अपनी पिछली फिल्मों से अपनी अदाकारी से सबका दिल जीत लिया है, इस फिल्म में सभी अपनी अदाकारी से फैंस को खुश करते हुए दिखने वाले हैं। और कमाल की बात यह है कि जब तीन ऐसे कमाल के एक्टर्स किसी फिल्म का हिस्सा होंगे तो वो फिल्म भी होगी सुपरहिट, इस बात की तो गारंटी है। तो ऐसे ही खतरनाक कास्ट को देखने के लिए फैंस के बीच में कितना एक्साइटमेंट होगा और कितना इस फिल्म को कमाई करने का मौका मिलेगा, ये तो अब समय ही बता पाएगा। आपको बता दें कि आदि पुरुष फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है और इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश भी देखने को मिल रहा है। अभी फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी क्या धमाका होगा, ये तो फिल्म के रिलीज के बाद ही पता चलेगा, लेकिन दोस्तों हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। क्यों फिल्म के डिले होने में नहीं है आमिर की गलती, किस वजह से लटकी ये फिल्म? हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू बॉलीवुड स्टूडियोज। आदि पुरुष 12 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली है। वेल, इस रिलीज डेट से फिल्म को काफी फायदा भी हो सकता है, क्योंकि अगले साल इस वक्त तक फिलहाल ऐसी कोई भी मूवी नहीं आई है जो रिलीज होने वाली है। मेकर्स ने साल के पहले शुरुआत के फेस्टिवल को अपने नाम कर लिया है। ये फिल्म मकर संक्रांति पर रिलीज होने वाली है। वेल, इस फिल्म के पोस्टपोन को लेकर ये खबर आ रही थी कि इस फिल्म की पोस्टपोन आमिर खान की वजह से हुई है। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की वजह से इस फिल्म को टाल दिया गया था। वेल, मेकर्स की माने तो उनका कहना है कि आमिर की वजह से फिल्म को पोस्टपोन नहीं किया गया, बल्कि फिल्म में कुछ ऐसे काम आ गए थे जिसकी वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया। दरअसल फिल्म में अभी तक VFX का काम पूरा नहीं हुआ है और बिना VFX के फिल्म को रिलीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना VFX के फिल्म ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। आदि पुरुष पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज पर है और इस फिल्म को ओम रावत डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म आदि पुरुष के लिए टीम ने दिन रात पसीना बहाया है। वहीं इस फिल्म से पहली बार सैफ अली खान और प्रभास हमें एक साथ दिखेंगे। वैसे इस फिल्म को पहले 11 अगस्त को इसी साल रिलीज करने का प्लान बनाया जा रहा था, पर मेकर्स कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहते हैं, इसलिए वो थोड़ा और टाइम चाहते हैं इस फिल्म के लिए, ताकि फिल्म बिल्कुल परफेक्शन के साथ बड़े पर्दे पर उतरे। ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक, इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना करते, मैं तुम्हारा हूं। प्रभास को लेकर गलती की या समझदारी,
कहां से इंस्पायर है ओम राउत का सिनेमा? आदिपुरुष ही क्यों बना रहे हैं ओम राउत? राम अवतार में प्रभास ही क्यों? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। महाराष्ट्र के एक सेनानी की गाथा को दुनिया भर में तानाजी दानसंग वॉरियर के नाम से पहुंचा देने वाले निर्देशक ओम राउत अब भगवान राम की वो गाथा बनाने निकले हैं जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम से पहले वो है आदि पुरुष। इरफान खान के साथ बाल कलाकार के तौर पर अपना करियर शुरू करने वाले ओम राउत की इस मेगा बजट फिल्म और उनकी सिने यात्रा को लेकर आज कुछ आपके सामने लाए हैं। बता दें कि सिनेमा ओम का सपना बचपन से रहा है, लेकिन इसको रियलिटी में सच कर देने की इन्होंने तब ठानी जब निर्देशक स्टीवन स्पिलबर्ग की फिल्म जुरासिक पार्क देखी। उन्हें लगा कि ये जो पर्दे पर डायनासोर चल रहे हैं उन्हें वैसे तो बनाना मुमकिन नहीं है, लेकिन क्या ये टेक्निक होगी जिससे ये सब भी हो सकता है? तो उन्होंने डायरेक्टर बनने से पहले इंजीनियर बनने का फैसला किया और वो सब सीखा जो सिनेमा में उनके काम आ सके। इंजीनियर कौन होता है? वही ना जो किसी समस्या का सीढ़ी दर सीढ़ी हल तलाशता है। यही काम एक निर्देशक का है। हम अपनी समस्या कहानी के तौर पर पहले सोच लेते हैं, फिर उसे पर्दे पर फिल्म के तौर पर पेश कर देना ही हमारी ही बनाई एक समस्या का हल है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि कैसे ओम को तानाजी और अब आदिपुरुष जैसी फिल्में बनाने का ख्याल आया? तो बता दें कि उनके पिताजी भरत कुमार राउत महाराष्ट्र टाइम्स के संपादक रहे हैं और राज्यसभा सदस्य रहे हैं। साथ माताजी नीना राउत ने भी मराठी टेलीविजन के लिए बहुत काम किया है। ओम ने जो कुछ सीखा उन्हीं दोनों से सीखा है, दोनों के आशीर्वाद से सीखा। उनका बचपन हिंदुस्तानी इतिहास के तमाम किरदारों की कहानियां पढ़ते सुनते बीता। अब वो ये कहानियां दूसरे को सुनाना चाहते हैं और उनका इन्हें सुनाने का माध्यम सिर्फ सिनेमा ही है, इसलिए आदि पुरुष को बनाने का बीड़ा ओम राउत ने उठा लिया। लेकिन आदि पुरुष में ओम राउत ने सिर्फ प्रभास को ही क्यों लिया? ऐसा क्या दिखा प्रभास में राम जैसा? तो पहले तो हम आपको आदि पुरुष के बारे में बताते हैं कि ये राघव का नाम है, श्री राम का नाम है। उनका जीवन चरित्र ऐसा ही है कि पूरी राम चरित्र मानस लिखनी पड़ी। हमें या किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि ये पूरी कथा दोहरा पाए। ओम राउत ने इस गाथा का एक अध्याय चुना है जिससे कि लोगों को उनकी विचारधारा का ज्ञान हो सके। ये राघव के जीवन की एक घटना है। बता दे, इस चरित्र के लिए प्रभास नहीं बल्कि प्रभास को इस चरित्र ने खुद चुना है। लोग कहते हैं कि वो पैन इंडिया एक्टर है, लेकिन ओम राउत को उनकी नजर, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके एक्सप्रेशंस इस चरित्र के लिए बिल्कुल उचित लगी। यही वजह है कि ओम राउत ने इसमें प्रभास को लिया। ये कहानी राम जी के आदि पुरुष अवतार पर बेस्ड है जो 3D में भी बनाई जा रही है। इसमें सीता जी का रोल कृति सेनन करने वाली है और लंकेश का किरदार सैफ अली खान करेंगे। ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक, इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना करते, देखिएगा दर्शकों। कुछ दिनों पहले बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने अपकमिंग मूवी लाल सिंह चड्ढा की रिलीज को लेकर घोषणा की। अभिनेता ने बताया कि ये मूवी 11 अगस्त 2022 को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। अभिनेता ने भूषण कुमार, प्रभास और आदि पुरुष की पूरी टीम को तारीख छोड़ने के लिए धन्यवाद दिया। हालांकि रामायण पर आधारित इस ओम राउत के निर्देशन की नई रिलीज डेट पर बवाल हो गया है। दिवाली 2022 वीकेंड के दौरान रिलीज होने वाली मूवी को लेकर जोरदार चर्चा है। मीडिया के साथ बातचीत में भूषण कुमार से दिवाली पर मूवी आदि पुरुष को रिलीज करने की प्लानिंग के बारे में पूछा गया। निर्माता ने कहा, अभी हमने आदि पुरुष के लिए रिलीज की तारीख तय नहीं की है, एक बार फैसला लेने के बाद हम इसकी घोषणा करेंगे। दिवाली वीकेंड के लिए पहले से ही बाकी फिल्मों की घोषणा की जा चुकी है, इसलिए हम भी एक सही तारीख की तलाश में है। आदि पुरुष को अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक बताया जा रहा है। जहां प्रभास भगवान श्री राम की भूमिका निभाते दिखाई देंगे, वहीं सैफ अली खान रावण के रूप में दिखाई देंगे। इस महाकाव्य में सीता की भूमिका निभाने के लिए कृति सेनन को चुना गया है। टीम ने मूवी की शूटिंग पूरी कर ली है
और मूवी पोस्ट प्रोडक्शन चरण में है। अगर मूवी दिवाली के मौके पर ही रिलीज होती है तो इसकी टक्कर आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा से होगी। मूवी में करीना कपूर भी अहम किरदार में दिखाई देने वाली है। वेल दर्शकों, आप सभी इस मूवी को लेकर के ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक, इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे, मैं तुम्हारा हूं। क्या फिल्म देखने मिलेगी 3D में? क्या साहो और राधे श्याम के बाद आदि पुरुष भी होगी फ्लॉप? किसका VFX बनाएगा फिल्म को मजेदार? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आदि पुरुष इस साल सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होने वाली है। फिल्म रामायण कल को आज के जमाने में दिखाने की कोशिश करेगी, जिसको देखने के लिए लोग भी काफी एक्साइटेड हैं। फिल्म में हमें कई चीजें देखने को मिलेंगी, जिसको देखने के बाद लोगों को फिल्म में और मजा आ सकता है, पर ज्यादा मजा पाने के लिए ज्यादा पैसा भी देना होगा। फिल्म हमें 3D में देखने मिलेगी, जिसका मतलब फिल्म की टिकट का प्राइस भी हमें थोड़ा ज्यादा दिखाई दे सकता है, पर 3D का एक्सपीरियंस पर्दे पर वाकई काफी अनोखा होता है, जब आपको लगता है कि वो किरदार आपके सामने ही परफॉर्म कर रहा है। और जैसा कि बताया, फिल्म रामायण के कॉन्सेप्ट पर होगी, ऐसे में उस आइकॉनिक दृश्य को लोग 3D में देख सकेंगे और फिल्म का असली मजा ले पाएंगे। बाहुबली के बाद प्रभास की चर्चा हर जगह देखने को मिली। प्रभास ने रातों रात कई करोड़ों फैंस बनाए और उन फैंस को अब उनकी नेक्स्ट फिल्म का इंतजार है, पर जब उनकी नेक्स्ट फिल्म आई तो उसको मिली निराशा। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म साहो की, जिसको कमाई के मामले में सफलता तो मिल गई, पर जो नाम प्रभास ने बाहुबली के बाद कमाया उसको देखते हुए फिल्म फीकी नजर आई। फिल्म को लोगों ने देखा प्रभास की वजह से और उनके पिछले काम को देखते हुए फिल्म को लोगों का प्यार नहीं मिला, जिसके बाद उनकी हाल ही में एक और फिल्म देखने मिली राधे श्याम, जिसको एक बार फिर झेलना पड़ रहा है बॉक्स ऑफिस की मार। फिल्म की कहानी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, पर फिल्म को लेके क्रिटिक्स की राय यही सामने आई और इस बार फिल्म की कमाई भी साहो से कम देखने को मिल रही है। पर अब एक बार फिर हमें प्रभास की नई फिल्म देखने को मिलेगी आदि पुरुष। प्रभास की बॉलीवुड में तीसरी फिल्म होने वाली है, जिसको टी सीरीज प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसे में बाकी दो का ऑडियंस रेस्पॉन्स कुछ खास देखने को नहीं मिला, पर आदि पुरुष को लेके मेकर्स और प्रभास दोनों को काफी उम्मीदें हैं और फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद लोगों को रेस्पॉन्स भी अच्छा दिखाई दे रहा है। ऐसे में फिल्म प्रभास के लिए बॉलीवुड में नए चांस बनके भी नजर आ सकता है, जो पर्दे पर लोगों का दिल जीत सके। हिंदी सिनेमा या यूं बोलो इंडियन सिनेमा में सिनेमा बहुत तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। जहां 2008-2009 में हमें VFX के नाम पर थोड़ा बहुत गाने के अंदर इफेक्ट्स दिखाई दे जाते थे, पर अब ये सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया है। बात करें तो हॉलीवुड की एक पूरी फिल्म एक कमरे के अंदर बनके तैयार हो जाती है। ऐसे ही कुछ फिल्म आदि पुरुष में होने वाला है, जहां फिल्म का काफी पार्ट हमें ग्रीन पर्दे पर शूट होता दिखाई देगा, जहां VFX का काम हुए फिल्म में ज्यादा दिखाई देगा। और बात करें VFX की, तो फिल्म के VFX के लिए काफी कंपनीज से टी सीरीज की बातें चल रही हैं। खबरों की माने तो फिल्म के लिए वेटा FX, जिन्होंने हॉलीवुड की मशहूर फिल्म अवतार में अपना VFX दिया था, उसी कंपनी का VFX हमें आदि पुरुष में देखने को मिल सकता है। जो लोगों में उत्साह है वो और बढ़ चुका है। अगर फिल्म में वेटा FX का काम देखने को मिलेगा तो हमें बॉलीवुड में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आज तक नहीं देखने को मिला। और इस फिल्म के बाद प्रभास के लिए भी ये धमाकेदार वापसी होगी बाहुबली के बाद, जिसका वो बहुत समय से इंतजार भी कर रहे होंगे। आपको क्या लगता है, क्या फिल्म आदि पुरुष बनेगी प्रभास के लिए बॉलीवुड में वापसी? कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक। ये
ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक। इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे, मैं तुम्हारा हूं। मेगस ने क्यों नहीं किया फिल्म को इस साल रिलीज? क्या इस साल फिल्म को नहीं मिलते अच्छे रिव्यू? क्या अगले साल रिलीज करने में फिल्म को होगा बड़ा फायदा? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। फिल्म आदिपुरुष की आखिरकार नई रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। शिवरात्रि के मौके पर मेकर्स ने फैंस को बताया कि उन्होंने अपनी मैग्नम ओपस फिल्म आदिपुरुष के लिए अगले साल 12 जनवरी की डेट फिक्स कर दी है। वैसे इस साल अगर फिल्म रिलीज होती तो भी आपको ऑडियंस की तरफ से वैसे ही रिव्यूज मिलते जैसे अगले साल मिलेंगे, लेकिन लगता है कि मेकर्स को फिल्म के लिए 12 जनवरी की डेट फिल्म के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगी है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि मेकर्स को अगले साल फिल्म की रिलीज से बहुत ज्यादा फायदे होने की उम्मीद है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि फिल्म मेकर्स ने सोचा होगा कि अगर फिल्म को साल की शुरुआत में रिलीज किया जाए तो ऑडियंस प्रभास बने प्रभु राम से मिलना जरूर पसंद करेगी। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन से ही करते हैं, तो जो मूवी लवर्स होंगे साथ ही जो प्रभास के फैंस होंगे वो तो इस फिल्म को देखने थिएटर्स में जरूर जाएंगे। यही कारण हो सकता है कि मेकर्स को 12 जनवरी की रिलीज पसंद आई होगी। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि फिल्म को दिवाली के मौके पर रिलीज करने की प्लानिंग की जा रही थी, क्योंकि दोस्तों इस त्योहार को राम जी के लिए ही जाना जाता है, लेकिन अब ऐसा तो कुछ नहीं है। इसलिए अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि अगले साल फिल्म कितना धमाल मचाती है। बात करें तो फिल्म आदिपुरुष एक बड़े बजट की फिल्म है। प्रभास स्टारर इस फिल्म का बजट 350 करोड़ से 400 करोड़ रुपए के बीच बताया जा रहा है। फिल्म में प्रभास और कृति के अलावा सैफ अली खान और देवदत्त नागे भी हैं। फिल्म का निर्देशन ओम राउत ने किया है और ये मूवी वाल्मीकि के रामायण से अडाप्ट की गई है। फिल्म आदिपुरुष पहले इसी साल 11 अगस्त 2022 को रिलीज की जानी थी, लेकिन आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की वजह से मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट को अगले साल खिसका दिया है। फिल्म में प्रभास श्री राम का किरदार निभाते हुए दिखेंगे, लंकापति रावण का किरदार सैफ अली खान निभाएंगे, वहीं कृति सैनन जानकी के रोल में दिखेंगी। दोस्तों आप लोग बताइए कि आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखिए। ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक। इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे। क्या फाइनली अनाउंस की गई आदिपुरुष की रिलीज डेट? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जाल। दोस्तों साउथ सिनेमा से सुपरस्टार अभिनेता प्रभास की फिल्म आदिपुरुष लंबे समय से चर्चा में है। इस फिल्म में प्रभास के साथ बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और अभिनेत्री कृति सैनन मुख्य भूमिका में दिखाई देंगी। फिल्म आदिपुरुष इस साल सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इस फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है। अब प्रभास की ये फिल्म अगले साल जनवरी में रिलीज होगी। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इसका अनाउंसमेंट किया गया। प्रभास, सैफ अली खान, कृति सैनन स्टारर। ये फिल्म 12 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म आदिपुरुष का निर्देशन ओम रावत ने किया है, और जबकि भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, ओम रावत, प्रसाद सुतार और रेट्रो फिल्म्स के राजेश नायर ने इसे निर्मित किया है। पहले फिल्म आदिपुरुष इस साल रिलीज होने वाली थी, लेकिन आमिर खान की बहुचर्चित लाल सिंह चड्ढा को रिलीज करने की वजह से इसकी रिलीज डेट को बदल दिया गया। हालांकि उस समय तक फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन अब महाशिवरात्रि के मौके पर फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा कर दी गई है। अगस्त को प्रभास की फिल्म पुरुष सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, मगर आमिर खान की फिल्म का रास्ता साफ करने के लिए आदिपुरुष की रिलीज डेट बदल दी गई। आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी, साथ ही आदिपुरुष की टीम का शुक्रिया भी किया। आमिर खान प्रोडक्शंस की ओर से सोशल मीडिया में स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें लिखा गया कि ये ऐलान किया जाता है कि हमारी फिल्म लाल सिंह चड्ढा तय प्लान के मुताबिक 14 अप्रैल को रिलीज नहीं होने वाली है। इसकी वजह है हम फिल्म की तय समय को पूरा नहीं कर पाए हैं और हमारी शूटिंग कम्प्लीट नहीं थी और पोस्ट प्रोडक्शन काम कम्प्लीट नहीं था। फिल्म 11 अगस्त
2022 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। वहीं फिल्म आदि पुरुष में प्रभास राम, कृति सेनन सीता बनी है और प्यार का पंचनामा फेम सनी सिंह बने हैं लक्ष्मण। फिल्म में सैफ अली खान रावण के किरदार में नजर आएंगे। शुरुआत में सैफ का इस किरदार के लिए काफी विरोध किया गया था, हालांकि सैफ के फैंस इस फिल्म में उनके किरदार को देखने के लिए खासे एक्साइटेड हैं। फिल्म रामायण महाकाव्य पर आधारित है। ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में। ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक, इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग न कर दे। कैसा बिहेवियर रखना पड़ेगा प्रभास को भगवान राम बनने के लिए? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं बड़ा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ आदि पुरुष मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। प्रभास की अगली मूवी है आदि पुरुष। 2-4 महीनों से इसका खूब चर्चा है। स्टार कास्ट का एक एक नाम धीरे धीरे सामने आ रहा है। अब ये भी कंफर्म हो गया है कि प्रभास का इसमें रोल क्या होगा। राम भक्तों के लिए खुशी की खबर है। प्रभास इस मूवी में भगवान राम का किरदार निभाने वाले हैं। मूवी के डायरेक्टर ओम राउत ने इस बात की जानकारी दी है। आदि पुरुष की अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस के अंदर एक्साइटमेंट बनी हुई थी। लोग लगातार कयास लगा रहे थे कि भगवान राम की जिंदगी पर बनी इस मूवी में भगवान राम आखिर बनेगा कौन। अब इसका जवाब भी आ गया है। डायरेक्टर ओम राउत ने ये भी बताया कि प्रभास अभी अपने रोल के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। प्रभास को इस रोल के लिए अग्रेसिव भी होना पड़ेगा और खुद को शांत भी दिखाना होगा, जिसके लिए एक्टर अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ओम राउत ने यह भी बताया कि अपने काम में परफेक्शन के लिए बाहुबली प्रभास तीरंदाजी भी सीख रहे हैं। 18 अगस्त 2021 को मूवी का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया था। खबर ये थी कि प्रभास की इस मूवी में सैफ अली खान भी दिखाई देंगे। सैफ इसमें दशानन रावण बनेंगे। सैफ अली खान पहले भी मूवी के डायरेक्टर ओम राउत के साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने अजय देवगन और काजोल वाली तानाजी द अनसंग वॉरियर्स में काम किया था। प्रभास ने अपने इंस्टाग्राम पर आदि पुरुष का पोस्टर शेयर किया था। पोस्टर शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा था, सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। एक्टर की ओम राउत के साथ ये पहली मूवी होगी जिसे 3D में शूट किया जाएगा। मूवी हिंदी के अलावा तेलुगु भाषा में भी बनाई जाएगी, जिसे तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में डब किया जाएगा। वहीं ये मूवी पर्दे पर दो। ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक, इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। आदि पुरुष की कहानी सुनकर कैसा रहा रिएक्शन प्प्रभास का? किसने किसे हैदराबाद बुलाया? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं अपना सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ आदि पुरुष मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। रामायण सत्य की असत्य पर विजय की गाथा। आज तक एपिक रामायण पर कई टीवी शोज और फिल्में बन चुकी हैं, जिसमें से रामानंद सागर की दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाली रामायण सबसे लोकप्रिय रही। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि जापान में भी रामायण पर एक एनिमे मूवी बन चुकी है, प्रिंस ऑफ लाइट। सन 2000 मुंबई मूवी फेस्टिवल में प्रिंस ऑफ लाइट का प्रीमियर हो रहा था। तभी दर्शक दीर्घा में बैठे 21 साल के इंजीनियरिंग स्टूडेंट ओम राउत के मन में एक सपने ने जन्म लिया। सपना था रामायण के ऊपर मूवी बनाने का। अपने सपने को असलियत में बदलने की कोशिश में ओम इंजीनियरिंग कंप्लीट कर अमेरिका चले गए, सायराक्यूज यूनिवर्सिटी में मूवी और टेलीविजन की पढ़ाई की। वहां से आने के बाद वो न्यूयॉर्क में शिफ्ट हुए और वहां MTV USA में काम किया।
2010 में वो इंडिया वापस आ गए। भारत वापस आकर उन दो फिल्मों से बतौर प्रोड्यूसर जुड़े। उनकी पहली प्रोड्यूस मूवी सिटी ऑफ गोल्ड 2010 में रिलीज हुई, जिसके एक साल बाद उन्होंने हॉन्टेड नाम की मूवी को प्रोड्यूस किया। 2015 में ओम राउत का डायरेक्टोरियल डेब्यू हुआ मूवी लोकमान्य, एक योग पुरुष के साथ। ये मूवी फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक की बायोपिक थी, लेकिन इस मूवी से पहले ओम ने एक और हीरो की कहानी लिखी थी। ये कहानी थी तान्हाजी की, छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना के सेनापति तान्हाजी पर मूवी बनाने का आइडिया ओम को न्यूयॉर्क में ट्रेक स्नाइडर की मूवी 300 देखते हुए आया था। तान्हाजी की रिलीज के कुछ वक्त बाद देश भर में लॉकडाउन लग गया। इस खाली वक्त में ओम ने अपनी ड्राफ्ट में पड़ी रामायण की स्क्रिप्ट को निकाला। करीब 45 दिनों में आदि पुरुष की कहानी लिख डाली। इस कहानी के लिए ओम के दिमाग में पहले से ही एक्टर निश्चित था, बाहुबली वाले प्रभास। ओम ने प्रभास को कॉल किया और आदि पुरुष की स्क्रिप्ट सुनाई। प्रभास को पहले ही 3 पन्नों में कहानी पसंद आ गई। उन्होंने ओम को हैदराबाद बुलाया। प्राइवेट प्लेन से राउत हैदराबाद गए। प्रभास ने मूवी साइन की और प्रोड्यूसर के रूप में मूवी सीरीज बैनर। वैरायटी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक आदि पुरुष का बजट 400 करोड़ रुपए है। इतने बड़े बजट के बारे में बात करते हुए ओम कहते हैं, भारत के लिहाज से ये महंगी मूवी है, लेकिन ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से ये मूवी उतनी भी महंगी नहीं है, क्योंकि इस मूवी में टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग किया गया है। आदि पुरुष में ओम राउत ने बताया कि रामायण को वो अपने अंदाज में अपडेट कर रहे हैं। आदि पुरुष रामायण की ही एक कहानी दिखलाई जाएगी, लेकिन एक मॉडर्न स्टोरी टेलिंग की तरीके से। जैसे मूवी में प्रभास का किरदार राम नहीं बल्कि राघव कहलाएगा, कृति सैनन जो मूवी में सीता की भूमिका में है उनका नाम जानकी होगा, और सैफ अली खान रावण पर बेस लंकेश का रोल करेंगे। राउत कहते हैं, किरदार का नाम राम होने से उसकी छवि अपने आप दर्शकों की नजर में दिव्य हो जाती है, जबकि राघव नाम से वो किरदार ज्यादा ह्यूमन लगता है। आदि पुरुष इस साल के अंत तक रिलीज होने की उम्मीदें हैं। ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक, इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे, मैं तुम्हारा हूं। कब होगी आदि पुरुष रिलीज? क्यों बदली मेकर्स ने आदि पुरुष की रिलीज डेट? हाय एवरीबॉडी, दिस इज प्राची योर होस्ट फॉर टुडे विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। बाहुबली सीरीज से देश भर में फेमस हुए प्रभास अपनी अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया है उन्होंने आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के लिए। दरअसल आमिर खान की ये फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होने वाली थी। ऐसे में आमिर खान ने आदि पुरुष के मेकर से रिक्वेस्ट करी थी कि वो अपनी फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दे, और ऐसे में अब आदि पुरुष की रिलीज डेट आगे बढ़ गई है आमिर खान के कहने पे। आदि पुरुष के मेकर्स ने आमिर खान के गुजारिश पर अपनी फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया है, और अब ये फिल्म रिलीज होने वाली है दिवाली के मौके पे। हर कोई जानना चाह रहा था कि कब रिलीज होगी आदि पुरुष, तो शायद अब ये फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज हो सकती है। दिवाली का त्यौहार भगवान राम के लिए समर्पित है, ऐसे में आदि पुरुष के मेकर्स इस फिल्म को 24 अक्टूबर को रिलीज कर सकते हैं। अगर आदि पुरुष के मेकर्स अपनी फिल्म को दिवाली के मौके पर रिलीज करती है तो इसकी सीधी टक्कर अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु से होगी। अक्षय कुमार ने कुछ दिनों पहले ही ऐलान किया था कि उनकी फिल्म राम सेतु दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। आदि पुरुष की तरह ही ये फिल्म भी भगवान राम के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे में ये देखना होगा आदि पुरुष के मेकर्स दिवाली के मौके पर अक्षय कुमार से भिड़ने का जोखिम उठाएंगे। ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक, इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर
मृत्यु जब तक हमें अलग न कर दे, मैं तुम्हारा हूं। जो धर्म मेरी माँ ने मुझे सिखाया है उसे साक्षी मानकर वचन देता हूँ तुम्हारे गौ। प्रभास की फिल्म आदि पुरुष नई होगी रिलीज अगस्त में। आमिर खान ने प्रभास को क्यों कहा शुक्रिया? क्या आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा की वजह से आदि पुरुष की डेट आगे बढ़ी? आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। कोविड की वजह से लॉकडाउन के कारण इंडस्ट्री में 2 सालों से काफी फिल्मों में काम रुक गए हैं क्योंकि शूटिंग बंद थी। ऐसे में लॉकडाउन खुलने के बाद से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। आने वाले सालों में मानो फिल्मों का महाकुंभ होगा। आदि पुरुष हिंदू रामायण पर आधारित फिल्म है। इसमें मुख्य किरदार यानी कि राम के रूप में प्रभास नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की शूटिंग लगभग खत्म हो चुकी है और इस फिल्म में सीता के रोल में एक्ट्रेस कृति सेनन नजर आएगी, जबकि सैफ अली खान लंका नरेश रावण की भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्माण भूषण कुमार की टी सीरीज कर रही है। खबरों की माने तो इस फिल्म में जबरदस्त वीएफएक्स देखने को मिलने वाले हैं। हिंदी के अलावा इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में भी रिलीज करने की योजना है। मालूम हो कि फिल्म आदि पुरुष अनाउंसमेंट के समय से ही सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म इस साल ही सिनेमाघरों में आने वाली थी। हालांकि ये फिल्म 11 अगस्त को सिनेमाघरों में आने वाली थी, लेकिन आपको बता दें कि आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा भी अप्रैल में ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन अभी तक लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग खत्म नहीं हुई है। आमिर खान की ओर से जारी स्टेटमेंट में ये जानकारी साझा की गई है, साथ ही इसकी वजह भी बताई गई है। स्टेटमेंट में प्रभास स्टारर आदि पुरुष की टीम का भी शुक्रिया अदा किया गया है जिन्होंने लाल सिंह चड्ढा के लिए अपनी जगह छोड़ दी है। सोमवार को आमिर खान प्रोडक्शन की ओर से सोशल मीडिया में स्टेटमेंट शेयर किया गया जिसमें लिखा था और ये ऐलान किया जाता है कि हमारी फिल्म लाल सिंह चड्ढा तय प्लान के मुताबिक 11 अप्रैल को रिलीज नहीं हो रही है। इसकी वजह यह है कि हम फिल्म को तय समय से पूरा नहीं कर सके। फिल्म अब 11 अगस्त 2022 को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज होगी। तो बता दे बैसाखी नहीं आदि पुरुष की डेट पर रिलीज होगी। साथ ही बताते चले कि 11 अगस्त को प्रभास की फिल्म आदि पुरुष रिलीज होने वाली थी, मगर आमिर खान की फिल्म के लिए आदि पुरुष की रिलीज डेट शिफ्ट कर दी गई है। आदि पुरुष के मेकर्स अपनी फिल्म को दिवाली 2022 के मौके पर रिलीज करते हैं तो इसकी सीधी टक्कर अक्षय कुमार की राम सेतु से होगी। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक, इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे, मैं तुम्हारा हूं। फिल्मी करियर को मिलेगी उड़ान? क्या ये साल होगा पेरियोडिक ड्रामा फिल्मों से भरा? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। बाहुबली के बाद प्रभास की आने वाली फिल्म है एक और दमदार जिसका नाम है आदि पुरुष। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ओम राउत और इस फिल्म में प्रभास के संग कृति सेनन और सैफ अली खान नजर आएंगे। फिल्म की कहानी एपिक पीरियड ड्रामा कहानी रामायण पर बेस्ड है। ऐसे में फिल्म में बनी सीता माता का रोल प्ले कर रही कृति की बात करें तो कृति का करियर हीरोपंती फिल्म से शुरू हुआ था, जिसके बाद उन्होंने एक के बाद एक फिल्म की जैसे लुक्का छुपी, राबता, दिलवाले, बरेली की बर्फी और भी कई फिल्में की, लेकिन इन फिल्मों से कृति को अभी तक अपनी पहचान नहीं मिल पाई थी। लेकिन हाल ही में आई फिल्म मिमी ने उनके फिल्मी करियर को एक अच्छी उड़ान दी, जिसके बाद बड़े बजट की फिल्मों के लिए उनको अप्रोच किया जाने लगा और जल्द ही मिमी एक्ट्रेस टाइगर संग गणपत अक्षय की बच्चन पांडे और प्रभास के साथ आदि पुरुष फिल्म में अपने एक्टिंग से सबका दिल एक बार फिर से जीतने वाली हैं। और इन तीनों फिल्मों में आदि पुरुष उनके करियर में 4 चांद लगाने वाला है, क्योंकि फिक्शनल ड्रामा और कॉमेडी ड्रामा फिल्मों में हम कृति को पहले भी काम करते देख चुके हैं, लेकिन सीता का किरदार उनके लिए काफी नया और हटके होने वाला है।
फिर चाहे वो लुक्स हो, कहानी हो, जॉनर हो, बड़े पर्दे पर सभी पहली बार कृति को इस रूप में देखेंगे। और अगर इस फिल्म में भी उनका उम्दा काम रहा तो कृति भी वर्सेटाइल एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो जाएगी। पर आदि पुरुष के साथ साथ कई और भी पीरियोडिक फिल्में आ रही हैं, जो इस फिल्म को काफी टक्कर दे सकती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा खतरा फिल्म को रणबीर कपूर की 1800 के दशक पर बेस्ड फिल्म शमशेरा से है, क्योंकि इस फिल्म की स्टार कास्ट भी आदि पुरुष फिल्म की तरह ही दमदार है, जिसमें रणबीर कपूर के अलावा संजय दत्त, वाणी कपूर, आशुतोष राणा जैसे महारथी शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे ही एक और बायोपिक मोगुल की कहानी लेकर आ रहे हैं डायरेक्टर मिताक्षरा कुमार फिल्म द एम्पायर के साथ। और जब सब इस रेस का हिस्सा हैं तो अक्षय कुमार कैसे पीछे रह सकते हैं। और जल्द ही उनकी फिल्म पृथ्वीराज भी आने वाली है, जो शमशेरा के साथ आदि पुरुष को टक्कर दे सकती है। तो देखते हैं जब ये सभी फिल्में बड़े पर्दे पर उतरती हैं तो सबसे ज्यादा बोलबाला किसका होता है। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ यहीं इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक, इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से क्या है आदि पुरुष की कहानी, कौन होगा इस मूवी का खलनायक? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राथ स्टूडियोज की इस नई पेशकश में। प्रभास का इस मूवी में किरदार पोस्टर के हिसाब से भगवान श्री राम से प्रेरित हो सकता है। हालांकि इस बारे में निर्माताओं की तरफ से कोई खुलासा नहीं किया गया है। इस मूवी से प्रसाद सुथार एक निर्माता के रूप में जुड़े हैं, जो कि अभिनेता अजय देवगन की कंपनी NYVFX वाला में एक विजुअल इफेक्ट्स डिजाइनर के रूप में काम किया करते थे। निश्चित रूप से इस फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स और VFX की जिम्मेदारी अजय देवगन की इस कंपनी के पास हो सकती है। हम आपको बता दें, देश में कुछ ही समय पहले अतुल्य भगवान श्री राम के मंदिर बनाने की शुरुआत उनकी जन्मभूमि अयोध्या में हो चुकी है। अगर ये फिल्म उसी दौर की हुई तो किसी भी पौराणिक कथा पर इतने बड़े पैमाने पर बनाई जाने वाली ये पहली फिल्म हो सकती है। इस मूवी में VFX और स्पेशल इफेक्ट्स का काम भी बड़े दर्जे पर होगा। ऐसी ही एक फिल्म धर्मा प्रोडक्शन के निर्माण में अयान मुखर्जी एक सुपर हीरो फिल्म ब्रह्मास्त्र बना तो रहे हैं, लेकिन उसकी कहानी भी काल्पनिक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओम राउत ने कहा, जब उन्होंने इस फिल्म में भगवान राम के किरदार के बारे में सोचा तो उनके दिमाग में सिर्फ प्रभास का ही चेहरा सामने आया था। उन्होंने कहा कि प्रभास से बेहतर प्रभु राम के किरदार को कोई अन्य एक्टर नहीं निभा सकता। उन्होंने कहा कि प्रभास इस समय देश के सबसे बड़े स्टार्स में से एक है और इस किरदार के लिए उनकी पर्सनैलिटी में शांति और आक्रामकता दोनों ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ओम राउत की पिछली फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर में सैफ अली खान ने विलन का किरदार निभाया था, जिसे काफी पसंद किया गया था। और इसी कड़ी में आदि पुरुष में भी मेन विलन यानी रावण का किरदार सैफ अली खान निभा सकते हैं। हालांकि इस बारे में डायरेक्टर ओम राउत ने कंफर्म भी कर दिया है। आदि पुरुष 3D फिल्म होगी और हिंदी, तेलुगु सहित कई भाषाओं में शूट की जाएगी, जबकि तमिल, मलयालम और कन्नड़ समेत कई अन्य भाषाओं में डब भी की जाएगी। कहा जा रहा है कि आदि पुरुष की शूटिंग कुछ ही समय में कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद 11 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में दस्तक दे देगी। तो दोस्तों, आप आदि पुरुष के लिए कितना एक्साइटेड हैं? क्या ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक, इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे, मैं तुम्हारा हूं। जो धर्म मेरी मां ने मुझे सिखाया है उसे साक्षी मानकर वचन देता हूं, तुम्हारे गौरव और मर्यादा पर किसी भी परिस्थिति में आंच नहीं आने दूंगा।
क्या गवर्नमेंट बनाएगी आदि पुरुष को मालामाल? किस पर टिकी है मेकर्स की नजरें? कौन सा बड़ा तोहफा देने वाले हैं गवर्नमेंट इंडस्ट्री को? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। साल 2021 के एंड में रिलीज हुई फिल्म पुष्पा द राइज, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया और अब उस फिल्म का अगला पार्ट भी बन रहा है जो आने वाले इस साल के एंड तक हमें देखने को मिलेगा। ऐसे में पुष्पा के समय आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट ने सिनेमा टिकट के प्राइस कम कर दिए थे। जहां एसी थिएटर के प्राइस 75 से 250 के बीच हैं, वहीं नॉन एसी थिएटर के प्राइस 20 से 100 रुपए हैं और ग्राम पंचायत एरिया में टिकट 5 रुपए है। इसका सीधा असर फिल्मों की कलेक्शन पर पड़ा है, जिसमें पुष्पा फिल्म भी शामिल है। ऐसे में अब आ रही है कई साउथ और आदिपुरुष जैसी पैन इंडिया फिल्म्स के लिए एक खुशखबरी सामने आने वाली है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जल्द ही गवर्नमेंट सिनेमा टिकट्स के प्राइस में चेंजेस लाने वाली है, जो इस बार सिनेमा इंडस्ट्री के हक में होने वाला है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट टिकट के प्राइस फ्लेक्सिबल रखने वाली है, जिससे ना जनता को परेशानी हो और ना ही फिल्म मेकर्स को, क्योंकि जब पिछले साल टिकट के प्राइस घटा दिए थे तब सिनेमा इंडस्ट्री के हालात काफी बिगड़ गए हैं। ऐसे में बस उम्मीद है कि इस बार फैसला उनके हक में होगा। तो ऐसे में आने वाली प्रभास की फिल्म आदि पुरुष के लिए ये अच्छी न्यूज होने वाली है, क्योंकि अगर फिल्म के प्राइस में बढ़ोतरी होती है तो फिल्म को ज्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि हिंदी ऑडियंस के साथ साथ साउथ में प्रभास के और भी ज्यादा चाहने वाले हैं, जो बड़े पैमाने पर उनकी फिल्म को देखने आते हैं। ऐसे में प्राइस में उछाल आना फिल्म के कलेक्शन के लिए काफी मायने रखता है, लेकिन अभी तक बस इस बात की ही खबरें उड़ती आई हैं, कोई ऑफिशियल खबर सामने नहीं आई है कि फिल्म का दाम बढ़ेगा ही तो हो सकता है। क्या पता अभी इस न्यूज से जनता नाराज हो जाए और गवर्नमेंट को वापस से पुराने रेट पर ही टिकट प्राइसिंग रखनी पड़े। आदि पुरुष फिल्म 500 करोड़ के बजट में बनने वाली फिल्म है, तो देखते हैं जब ऐसा प्लान होता है तो किसके हक में बात जाएगी, जनता या फिर मेकर्स। आने वाली पैन इंडिया फिल्म आदि पुरुष की बात करें तो इस फिल्म में प्रभास के अलावा कृति सैनन और सैफ अली खान भी नजर आने वाले हैं और ये फिल्म एपिक पीरियोडिक स्टोरी रामायण पर आधारित होगी। ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक, इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना करते, मैं तुम्हारा हूं। फिल्म का कौन सा वीडियो मचा रहा है सोशल मीडिया पर हंगामा? क्या इस बार का VFX है एकदम बेकार? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। प्रभास की आने वाली फिल्म आदि पुरुष काफी समय से चर्चा में है। ऐसे में आने वाली इस फिल्म में बाहुबली नजर आएंगे भगवान श्री राम के किरदार में। दर्शक जहां प्रभास के बाहुबली और साहू के लुक के बाद अब उनको राम जी के किरदार में देखने के लिए दीवाने हो रहे थे, ऐसे में हाल ही में सोशल मीडिया पर प्रभास के राम लुक का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें प्रभास का लुक देख लोग शॉक्ड हो गए हैं, क्योंकि उस वीडियो में प्रभास बिल्कुल भी लोगों को पसंद नहीं आ रहे और उनका लुक ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बॉडी पर प्रभास का फेस लगाया हो, जिसके बाद प्रभास के साथ साथ लोगों ने फिल्म के VFX का भी काफी मजाक उड़ाया। आपको बता दें, इस फिल्म में VFX का काम ओम रॉथ के अंडर एक्वामैन, स्टार वॉर्स और अवतार जैसी फिल्मों की VFX टीम कर रही है। ऐसे में इस फिल्म में ऐसा काम क्यों? क्या प्रोड्यूसर ने उनको कम पैसे दिए हैं? तो हम आपको बता दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल बताया जा रहा है कि वो वीडियो शायद एक मॉक वीडियो है जो किसी ने अपलोड कर दिया और देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद कई लोगों का कहना है कि ये वीडियो रियल है। फिल्म के डायरेक्टर की पिछली फिल्म तान्हाजी का VFX काफी पसंद किया गया था। ऐसे में आदि पुरुष जैसी बिग बजट फिल्म में ऐसी चूक ओम रॉथ कभी नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये सच निकला कि ये वीडियो रियल है, तो फिर आने वाली आदि पुरुष इस बार घाटे में जा सकती है। आपको बता दें, इस फिल्म में प्रभास के अलावा कृति सैनन सीता का रोल निभा रही हैं और सैफ अली खान रावण का किरदार निभाते नजर आएंगे। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ओम रॉथ। ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक, इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना करते, मैं तुम्हारा हूं।
आएगा 2022 में हनुमान। कैसा रोल होगा फिल्म में देवदत्त नागे का? क्यों उनको इस फिल्म के लिए कास्ट किया गया? 5 फरवरी 1977 में पैदा हुए देवदत्त नागे मराठी फिल्मों में एक बेहतर कलाकार माने जाते हैं। ऐसे में उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था 2014 में आई वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा से, और उसके बाद आई सत्यमेव जयते। तानाजी में भी इन्होंने दमदार अभिनय किया था, और जल्द ही आ रही है मच अवेटेड फिल्म आदिपुरुष में भी एक मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं। और क्या होगा इनका किरदार आपको आगे बताते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आने वाली माइथोलॉजी फिल्म आदिपुरुष में प्रभास श्री राम का रोल करते दिखेंगे, वहीं कृति सेनन करेंगी माता सीता का रोल, और जिनके बिना अधूरी है पूरी रामायण उस लंकेश राजा रावण के किरदार में दिखाई देंगे सैफ अली खान। लेकिन राम जी के जीवन में रावण से युद्ध कर अपनी पत्नी को बचाने के कठिन समय में उनकी परछाई की तरह उनके साथ रहने वाले हनुमान जी का भी काफी इम्पोर्टेंट रोल है, तो जहाँ जय श्री राम हो वहाँ हनुमान जी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इन किरदारों को निभाएंगे देवदत्त नागे, जो अपने मराठी शो जैसे जय मल्हार और डॉक्टर डॉन जैसे किरदार से जाने जाते हैं। ऐसे में अपने रोल को लेकर उनका कहना है कि ये रोल अपने आप में काफी इम्पोर्टेंट है, और मारुति राया से उनका कनेक्शन काफी समय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने जब 17 साल की एज में जिम जाना शुरू किया था तो उनकी जिम का नाम हनुमान व्यायामशाला था। इसी के साथ जब हमारे डॉक्टर डॉन से पूछा गया कि आपको क्या लगता है आपको ये किरदार के लिए कैसे चुना गया, जिस पर देवदत्त ने कहा मुझे लगता है कि मेरी फिजिक को देखकर मुझे फिल्म के लिए कास्ट किया गया होगा, और मैं अपने इस रोल को लेकर काफी डिवोल्यूशनल हूँ, और फिल्म में एक्शन सीन्स के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वही एक बात तो तय है कि फिल्म में इस बार काफी जबरदस्त और अलग तरीके के एक्शन देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि इस फिल्म का थीम बाकी फिल्मों से अलग है। ऐसे में इन सितारों का एक्शन देखना काफी मजेदार होने वाला है। देखते हैं जब बड़े पर्दे पर फिल्म आती है तो क्या धमाका मचाती है। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ इसी चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक, इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना करते मैं तुम्हारा हूं। डायरेक्टर किन फिल्मों को रिजेक्ट करना बनी प्रभास की बड़ी गलती। ओरिजिनली किस भाषा में शूट की गई है फिल्म? अनाउंसमेंट से ही सुर्खियों में बनी हुई ओम राउत की फिल्म आदिपुरुष को देखने के लिए ऑडियंस काफी बेकरार है। वैसे तो फिल्म को ओम राउत ही डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बड़ी फिल्म होने के कारण फिल्म में बहुत काम है, और इस ज्यादा काम को संभालने के लिए ज्यादा लोग भी लगेंगे। अब इसी वजह से फिल्म के काम का भार उठाने के लिए ओम राउत के साथ फिल्म में भावेन कटेलिया और नेहा मोहन सोहानी भी लगातार असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही हैं। फिल्म में प्रभास, कृति सानन, सनी सिंह, सैफ अली खान और देवदत्त नागे मेन लीड रोल में नजर आएंगे। ओम राउत की फिल्म को साथ साथ ओरिजिनली हिंदी और तेलुगु भाषा में शूट किया गया है। इसी के साथ ये फिल्म हिंदी और तेलुगु सहित तमिल, कन्नड़, मराठी और मलयालम जैसी भाषाओं में भी बाद में रिलीज की जाएगी। ये फिल्म सभी भाषाओं में रिलीज की जाएगी, और जिससे कि हर भाषा के लोग अपनी भाषा में फिल्म को देखकर उसका आनंद उठा सके। फिल्म के हीरो प्रभास इस फिल्म के लिए एक मोटी रकम ले रहे हैं। खास बात तो ये है कि मेकर्स भी प्रभास को इतनी हाई फीस देने के लिए तैयार हो गए, और तैयार हो भी क्यों ना भला। प्रभास इस समय देश के सबसे चहेते स्टार्स में से एक है, और उनके फैंस उनकी पूजा करते हैं। अब ऐसे स्टार को हाथ से जाने देने का मौका मेकर्स नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वो प्रभास को 150 करोड़ रुपए की फीस देने के लिए राजी हो गए। वेल, देश के सबसे पॉपुलर स्टार्स में से एक प्रभास ने भी फिल्में चूज करने में बहुत गलतियां की हैं। खैर, गलतियां तो सभी से होती है, और हम उन गलतियों से ही तो सीखते हैं। प्रभास ने कई ऐसी फिल्मों को करने से इनकार कर दिया था जो बाद में जाकर सुपर डुपर हिट साबित हुई। साउथ इंडस्ट्री की फिल्म किक का ऑफर भी उस ऑफर को रिजेक्ट करते हुए वो फिल्म करने से मना कर दिए, और फिर वो फिल्म साउथ के एक्टर रवि तेजा को मिल गई। फिल्म के रिलीज के बाद वो फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी, और उसी फिल्म के एक्टर रवि तेजा के करियर को एक बार फिर से उड़ान मिली थी। सिर्फ किक ही नहीं, प्रभास साउथ की कई फिल्मों को रिजेक्ट कर चुके हैं, जिनमें किक, आर्या, ओकाडू, सीमहाद्री और नायक जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल है।
प्रभास ने अपनी पास्ट की गलतियों से बहुत कुछ सीखा है और अब प्रभास कोई भी फिल्म रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने से पहले उस फिल्म की कहानी को ढंग से पढ़ने के बाद ही साइन करते हैं। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक, इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे, मैं तुम्हारा हूं। कौन करेगा फिल्म में एडिटिंग? कौन है फिल्म का असिस्टेंट राइटर? हाय एवरीबॉडी, दिस इज प्राची योर होस्ट फॉर टुडे विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। ओम रावत के निर्देशन में बन रही फिल्म आदि पुरुष को लेकर ऑडियंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और आए दिन ऑडियंस फिल्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहती है। फिल्म के बारे में जानकारी चाहने वाली ऑडियंस को बता दे कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और कोविड के हालातों को देखते हुए फिल्म जल्द ही ऑडियंस को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। फिल्म की कहानी फिल्म के डायरेक्टर ओम रावत ने ही लिखी है और उन्होंने ही फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा है, लेकिन रामायण जैसी बड़ी गाथा को सिर्फ कुछ घंटों की मूवी में कन्वर्ट करना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए डायरेक्टर साहब ने भी फिल्म की स्टोरी लिखने के लिए एक असिस्टेंट राइटर की मदद ली, जिससे कि फिल्म की कहानी अच्छे से और समय से पूरी हो सके। और उस असिस्टेंट राइटर का नाम दीपांकर ठाकुर है। दीपांकर ने ओम रावत की मदद उनकी फिल्म तान्हाजी की स्क्रिप्ट लिखने में भी की थी। वैसे फिल्म को शानदार बनाने का जितना श्रेय फिल्म की कहानी, एक्टर्स और सिनेमाटोग्राफर को जाता है, उतना ही फिल्म को एडिट करने वाले एडिटर को भी जाता है। फिल्म की शूटिंग के बाद फिल्म को पूरी तरह से एक सीक्वेंस एडिट करके पूरा करना बहुत मेहनत का काम है और फिल्म में ये मेहनत का काम आशीष महात्रे और अपूर्वा मूर्ति वाले संभाल रहे हैं। इससे पहले ये दोनों एडिटर कई मराठी फिल्मों में साथ में एडिटिंग का काम कर चुके हैं। वेल, बात करें अगर फिल्म में कोरियोग्राफी की, तो फिल्म में ऐसा कुछ खास कोरियोग्राफी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये फिल्म हिंदू धर्म की भावनाओं से जुड़ी हुई है और ऐसे में फिल्म में ऐसा कोई भी गाना या डांस नहीं रखा गया है जिससे कि हिंदू धर्म के लोगों को चोट पहुँचे। फिल्म में बहुत ही सिंपल गाने होंगे और उन्हीं सिंपल गानों पर एक्ट्रेस को कोरियोग्राफ करेंगे कोरियोग्राफर रंजू। रंजू ने बॉलीवुड सहित मराठी फिल्म इंडस्ट्री में भी कई फिल्मों के लिए डांस कोरियोग्राफ किया है। ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक, इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे। कब होगी आदि पुरुष फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग? कहां होगी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग? कैसे अलग होगा ये कैरेक्टर सैफ के अब तक के किरदारों से? किस फिल्म के साथ होगा आदि पुरुष का क्लैश? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां बॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष को लेकर ऑडियंस के मन में दिन पर दिन एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। फिल्म में प्रभास, सनी सिंह, कृति सैनन, दिव्या दत्त नागे और सैफ अली खान मेन लीड में देखने को मिलेंगे। हमेशा से हीरो के अंदाज में नजर आने वाले अभिनेता सैफ अली खान एक बार फिर फिल्म आदि पुरुष के जरिए निगेटिव रोल में नजर आएंगे। अभिनेता सैफ अली खान फिल्म में लंकेश रावण का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। सैफ अली खान ने ज्यादातर कॉमेडी, ड्रामा और रोमांटिक फिल्मों में काम किया है। पिछले कुछ समय से सैफ निगेटिव रोल में अपना लक ट्राई कर रहे हैं। फिल्म तानाजी में सैफ ने पहली बार निगेटिव रोल प्ले किया था और फिर अमेजन प्राइम पर रिलीज हुए वेब सीरीज में भी सैफ निगेटिव रोल में नजर आए थे। अब तीसरी बार सैफ बड़े पर्दे पर निगेटिव रोल में नजर आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ओम राउत की ये फिल्म एक बड़े बजट की फिल्म है। फिल्म का बजट 500 करोड़ रुपए का है। जिस हिसाब का फिल्म का बजट है, ऐसे में फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है। ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष आनंद एल राय की अपकमिंग फिल्म रक्षाबंधन से क्लैश हो रही है।
ऐसे में अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी फिल्म ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होगी और बनेगी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म। वेल, फिल्म के रिलीज से पहले फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत अपनी इस फिल्म की मुंबई में स्पेशल स्क्रीनिंग करवाएंगे, और सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि फिल्म के लीड हीरो प्रभास को ध्यान में रखते हुए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग मुंबई के साथ हैदराबाद में भी करवाई जाएगी। फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान फिल्म की पूरी स्टारकास्ट और मेकर्स वहीं मौजूद रहेंगे। फिल्म की स्टारकास्ट के साथ मीडिया पर्सनालिटीज और इंडस्ट्री के कुछ सेलेब्स भी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग का हिस्सा होंगे। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस। ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक, इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना करते, मैं तुम्हारा हूं। सबसे बड़े बजट की फिल्म का क्या नाम है? कितना है इस मूवी का बजट? कितने हजार स्क्रीन पर रिलीज होगी ये फिल्म? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज की इस नई पेशकश में। प्रभास अपनी बाहुबली फ्रेंचाइजी की सक्सेस के बाद पैन इंडिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। फिलहाल वो राधे श्याम की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें पूजा हेगड़े होंगी और भाग्यश्री भी अहम रोल प्ले करेंगी। अभिनेता अपनी अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष को लेकर भी चर्चा में है, जो कि एक बड़े बजट की फिल्म है। ये फिल्म हिंदू महाकाव्य रामायण का रूपांतरण बताई जा रही है, जिसे कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का निर्माण टी सीरीज और रेट्रो फाइल्स ने किया है, जिसमें प्रभास भगवान श्री राम का रोल निभाएंगे, जबकि कृति सैनन सीता बनेंगी। वहीं सनी सिंह लक्ष्मण का किरदार करेंगे और सैफ अली खान भी खलनायक यानी कि रावण के रूप में नजर आएंगे। फिल्म को लेकर ताजा खबर यह है कि इसका बजट 500 करोड़ से ऊपर का है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रभास और कृति सैनन स्टारर फिल्म आदि पुरुष इंडियन सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म है, जिसकी लागत 500 करोड़ से ऊपर की है। इसकी कॉस्ट को भुनाने के लिए मेकर्स ने एक खास प्लान बनाया है। इसे दुनिया भर की 20,000 स्क्रीन पर रिलीज किया जाना है, जो अब तक की भारतीय सिनेमा को मिली सबसे बड़ी वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। फिल्म को हिंदी और तेलुगु में एक साथ शूट किया गया था, लेकिन हिंदी में इसकी डबिंग की जाएगी। खबर है कि आदि पुरुष 15 भाषाओं में रिलीज की जाएगी, जिसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों दर्शक शामिल होंगे। इसे जापानी और चीनी जैसी विदेशी भाषाओं में भी डब किया जाएगा। इससे पहले प्रभास के बाहुबली द बिगनिंग जो 2015 में आई थी, वो 6,000 स्क्रीन पर दर्शाने में सफल रही, जो उस समय किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे बड़ी बात थी। इस बात की जानकारी मेकर्स पहले ही दे चुके हैं कि फिल्म को 103 दिनों में शूट किया गया था और आदि पुरुष राधे श्याम के अलावा प्रभास बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के साथ एक्शन ड्रामा प्रोजेक्ट में दिखाई देंगे। इस साईफाई थ्रिलर में अमिताभ बच्चन भी प्रमुख भूमिका में है। नाग अश्विन के निर्देशन में बनी इस फिल्म की शूटिंग हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में हुई है। अश्विन दत्त बड़ी बजट के फिल्मों के निर्माता हैं। तो दोस्तों, आप प्रभास की आने वाली फिल्म आदि पुरुष के लिए कितना एक्साइटेड हैं? क्या ये फिल्म बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक, इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग। किसके फैन है बाहुबली प्रभास? क्या बदल सकता है फिल्म का टाइटल? कौन है कृति की गर्ल क्रश? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज, एंड मैं हूं आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो दोस्तों, फिल्म बाहुबली के जरिए इंडियन सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले अभिनेता प्रभास इन दिनों काफी लाइमलाइट में चल रहे हैं, और उनके लाइमलाइट में होने की वजह है उनकी ढेर सारी अपकमिंग फिल्में। प्रभास के फैंस उनकी इन सभी अपकमिंग फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। उनके फैंस उनकी प्रोफेशनल लाइफ से लेकर उनकी पर्सनल लाइफ तक की हर खबर रखते हैं, और वो सिर्फ खबर ही नहीं रखते,
वो प्रभास की हर खुशी को बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट भी करते हैं। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि प्रभास के फैंस वाकई में कमाल के हैं और वो उनसे बेइंतहा प्यार भी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हजारों फैंस के दिलों की धड़कन प्रभास भी किसी के डाई हार्ड फैन है, और ये जिसके फैन है वो कोई मामूली स्टार नहीं है बल्कि वो प्रभास से भी बड़ा स्टार है। वेल, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के मिलियंस में फैंस हैं। प्रभास ने अपने कई इंटरव्यूज में बताया है कि वो उनसे काफी इंस्पायर हैं। और सिर्फ प्रभास ही नहीं, फिल्म की लीड एक्ट्रेस कृति सैनन भी बॉलीवुड और हॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनस की बहुत बड़ी फैन है। कृति ने अपने एक इंटरव्यू में प्रियंका को अपना गर्ल क्रश बताया था। वो प्रियंका से बहुत इंस्पायर हैं और वो उनके लुक्स, स्टाइल और पर्सनालिटी की भी खूब तारीफ करती हैं। है, आपको बता दे, ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष में कृति और प्रभास पहली बार साथ में स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। मेकर्स ने इस फिल्म का टाइटल आदि पुरुष रखा है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म के मेकर्स फिल्म का टाइटल बदलने की सोच रहे हैं। वो फिल्म के टाइटल को आदि पुरुष से बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम कर सकते हैं। हालांकि अभी तक मेकर्स द्वारा इस बात को लेकर किसी भी प्रकार की अनाउंसमेंट नहीं की गई है। अब इस फिल्म का टाइटल बदलता है या नहीं, ये आपको हमारी वीडियो से जल्द ही पता चल जाएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिल्मी दुनिया की बाकी सभी अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ। यहाँ हम देंगे आपको बॉलीवुड की फिल्मों की एक एक खबर। अगर आप ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक, इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना करती, मैं तुम्हारा हूं। आखिर कहां होगी इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग? कैसे अलग होगा ये कैरेक्टर सैफ के अब तक के किरदारों से? और आखिर किस फिल्म के साथ होगा आदि पुरुष का क्लैश? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। बॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष को लेकर ऑडियंस के मन में दिन पर दिन एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। फिल्म में प्रभास, सनी सिंह, कृति सैनन, देवदत्त नागे और दोस्तों सैफ अली खान मेन लीड में देखने को मिलेंगे। हमेशा से हीरो के अंदाज में नजर आने वाले अभिनेता सैफ अली खान एक बार फिर से इस फिल्म यानी कि आदि पुरुष के जरिए नेगेटिव रोल में नजर आएंगे। अभिनेता सैफ अली खान फिल्म में लंकेश रावण का किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इन्होंने ज्यादातर कॉमेडी, ड्रामा और रोमांटिक फिल्मों में काम किया है। पिछले कुछ समय से दोस्तों नेगेटिव रोल्स में अपना लक ट्राई कर रहे हैं। फिल्म तानाजी में नवाब साहब ने पहली बार नेगेटिव रोल प्ले किया था और फिर अमेज़न प्राइम पर रिलीज हुए वेब सीरीज में भी नेगेटिव रोल में नजर आए थे। अब तीसरी बार फिर बड़े पर्दे पर नेगेटिव रोल में नजर आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं हमारे सैफ अली खान जी। ओम राउत की फिल्म एक बड़े बजट की फिल्म है। फिल्म का बजट 500 करोड़ रुपए का है। जिस हिसाब का फिल्म का बजट है, ऐसे में फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष आनंद एल रॉय की अपकमिंग फिल्म रक्षाबंधन से क्लैश हो रही है। ये दोनों फिल्में सेम डेट यानी कि 11 अगस्त 2022 को रिलीज की जाएंगी। ऐसे में अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी फिल्म ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होगी और बनेगी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म। वेल दोस्तों, फिल्म के रिलीज से पहले फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत अपनी इस फिल्म की मुंबई में स्पेशल स्क्रीनिंग करवाएंगे। और सिर्फ दोस्तों मुंबई ही नहीं बल्कि फिल्म के लीड हीरो प्रभास को ध्यान में रखते हुए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग मुंबई के साथ साथ हैदराबाद में भी कराई जाएगी। ये स्पेशल स्क्रीनिंग फिल्म के रिलीज होने के एक से दो वीक पहले दोनों शहरों में कराई जाएगी। अब दोस्तों फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान फिल्म की पूरी स्टार कास्ट और मेकर्स वहीं मौजूद रहेंगे। फिल्म की स्टार कास्ट के साथ मीडिया पर्सनालिटीज और इंडस्ट्री से कुछ सेलेब्स भी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग। क्या होगा इस फिल्म का बजट? कौन निभाएगा भगवान श्री हनुमान का किरदार? कैसे गाने सुनने को मिलेंगे इस फिल्म में? फिल्म डायरेक्टर ओम राउत के निर्देशन में बन रही फिल्म आदि पुरुष में प्रभास लीड में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अब बस इंतजार है तो इस फिल्म के रिलीज होने तक का।
आदि पुरुष में प्रभास भगवान राम का किरदार निभाएंगे और जहां भगवान राम हो वहां उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष में मराठी एक्टर देवदत्ता नागे श्री हनुमान के रोल निभाते हुए नजर आएंगे। देवदत्ता नागे एक मराठी सीरियल जय मल्हार से अपने सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले रोल लॉर्ड खंडोबा से सुर्खियों में आए थे। इसके बाद से देवदत्ता को बॉलीवुड सहित मराठी फिल्मों में भी काम करने के लिए कई ऑफर मिले थे। देवदत्ता ने इस फिल्म को डायरेक्टर ओम राउत के साथ पहले भी काम किया है। देवदत्ता और ओम ने तानाजी में भी साथ काम किया था, जिसमें देवदत्ता ने सूया जी मलसूरा के रोल को निभाया था और अब वो ओम राउत के इस अपकमिंग फिल्म में श्री हनुमान का रोल निभाते हुए नजर आएंगे। अगर बात करें इस फिल्म के म्यूजिक के पार्ट की, तो इस फिल्म में ऑडियंस को डिवोशनल लव सॉन्ग के साथ साथ सैड सॉन्ग भी सुनने को मिलेंगे। भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह के समय फिल्म में एक पूरे लव सॉन्ग होंगे और माता सीता और भगवान राम के बिछड़ने पर एक सैड सॉन्ग इस फिल्म में सुनने को मिलेगा। इस फिल्म में किसी भी प्रकार के आइटम सॉन्ग्स और पार्टी सॉन्ग्स का जिक्र दूर दूर तक नहीं होगा। फिल्म बाहुबली की म्यूजिक डायरेक्टर इस फिल्म में म्यूजिक की भागदौड़ संभालेंगे। आप बाहुबली फिल्म के गानों को सुनकर अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इस फिल्म में किस प्रकार के गाने सुनने को मिल सकते हैं। इस फिल्म पर मेकर्स ने जितना जी खोलकर मेहनत किया है उतना जी खोलकर पैसा भी लगाया है। इस फिल्म का बजट इतना ज्यादा हाई है कि इसे सुनकर हर किसी के होश उड़ सकते हैं। डायरेक्टर ओम राउत ने इस फिल्म को 500 करोड़ रुपए की लागत लगाकर बनाया है। आप भी शायद सोच रहे होंगे कि 500 करोड़ का क्या होगा इस फिल्म में, तो इस बात का जवाब आपको खुद फिल्म का एक सीन देखकर ही मिल जाएगा। इस फिल्म में सभी बड़े एक्टर्स ही काम कर रहे हैं और बड़े एक्टर्स की फीस का अंदाजा तो आपको ऑलरेडी पता होगा। ओम राउत ने इस फिल्म पर आंख बंद करके पैसा लगाया है। अब देख ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक, इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। कौन है ये जियो म्यूजिक कंपोजर? कौन से हिट फिल्म्स में उन्होंने सॉन्ग कंपोज किया है? फेमस म्यूजिक कंपोजर एंड लिरिसिस्ट जियो साचिन एंड परंपरा टंडन ने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई है। उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत छोटे मोटे सॉन्ग से की थी एंड देखते ही देखते काफी हिट सॉन्ग्स कंपोज किए हैं, जैसे कि फिल्म टॉयलेट, यमला बगा दीवाना, भूमि, कबीर सिंह एंड तानाजी फिल्म के सॉन्ग्स कंपोज किए हैं उन्होंने। ये मेनली हिंदी फिल्म्स के लिए माने जाते हैं एंड ये जियो अब एक और फिल्म में सॉन्ग्स कंपोज करने वाले हैं, जो है आदि पुरुष। तो दोस्तों, बॉलीवुड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आदि पुरुष फिल्म में इन दोनों जियो कंपोजर का सेकंड कोलैबोरेशन होने वाला है प्रभास के साथ, और इस फिल्म में प्रभास के साथ साथ कृति सैनन, सैफ अली खान एंड सनी सिंह स्टार करने वाले हैं। इस फिल्म की पूरी प्लेलिस्ट ये दोनों साथ मिलकर कंपोज करेंगे और प्रभास के साथ दूसरा कोलैबोरेशन इसलिए होने वाला है क्योंकि इनकी साहो में इन दोनों ने ऑलरेडी प्रभास के साथ काम किया हुआ है। वो काफी माने जाते हैं डिवोशनल म्यूजिक के लिए और इस फिल्म में भी ऑब्वियसली डिवोशनल सॉन्ग ही होने वाले हैं। इस बारे में पता ही होगा जो इंस्टाग्राम एंड दूसरी सोशल मीडिया साइट्स पर उनको फॉलो करते हैं। उन्होंने इंस्टा पर लॉकडाउन के दौरान बहुत से सॉन्ग्स कंपोज कर पोस्ट किए हैं, जिसके कारण इनके फॉलोअर्स का रीच मिलियन तक पहुंच गया है। इनके डिवोशनल सॉन्ग्स तो कई फिल्म में सुने ही है, तब लेटेस्ट फिल्म जर्सी में भी इन्होंने ही सॉन्ग कंपोज किया है। इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है फॉर बेस्ट सॉन्ग डायरेक्शन। तो ये तो पक्का है कि इनके सॉन्ग्स काफी जबरदस्त होने वाले हैं आदि पुरुष फिल्म में। आज के लिए बस इतना ही, और ऐसी अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक, इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना करते, कैसे स्टंट्स देखने को मिलेंगे? कौन संभालेगा फिल्म की एडिटिंग की जिम्मेदारी?
कब रिलीज होगी प्रभास की फिल्म राधेश्याम? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज में। हेलो दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और पैन स्टार प्रभास स्टारर फिल्म आदि पुरुष इन दिनों खूब सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में इस फिल्म की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट मेकर्स द्वारा किया गया था। ये फिल्म 11 अगस्त 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। इस फिल्म में प्रभास और सैफ अली खान के अलावा कृति और सनी सिंह भी नजर आएंगे। इस फिल्म में ऑडियंस को कुछ बेसिक स्टंट देखने को मिलेंगे और ये स्टंट प्रभास के साथ साथ सैफ अली खान, सनी सिंह और देवदत्त भी करते नजर आएंगे। और इन स्टंट्स को करने के लिए फिल्म के एक्टर्स को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी और ये ट्रेनिंग स्टंट ट्रेनर अरविंद गुप्ता और उनकी कुछ साथी स्टंट परफॉर्मर्स ने दी थी। फिल्म में प्रभास सहित और भी कई एक्टर्स युद्ध करते टाइम ये शानदार एक्शन स्टंट करते नजर आएंगे। और दोस्तों, ये स्टंट्स शूट करके बखूबी एडिट करना वाकई मुश्किल काम है और इस समय फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है लेकिन फिल्म की एडिटिंग पर काम चल रहा है। दोस्तों, फिल्म में भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता प्रभास साउथ फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं और वो अपनी फिल्म बाहुबली द बिगनिंग से ही पूरी दुनिया में मशहूर हुए थे। और आज प्रभास भारत के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में से एक है। प्रभास की जोली में कई बड़ी फिल्मों के ऑफर्स हैं जिनमें सालार, स्प्रिट प्रोजेक्ट के और राधे श्याम जैसी फिल्मों के नाम शामिल है। प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम इस महीने की 14 जनवरी को रिलीज होने वाली थी लेकिन कोविड के बढ़ते मामलों की वजह से मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज को पोस्टपोन कर दिया। अब मेकर्स जल्द ही इस फिल्म की नई रिलीज डेट को अनाउंस करेंगे और अनुमान है प्रभास और पूजा की ये फिल्म 20 अप्रैल के बाद ही रिलीज होगी। ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक, इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर किसके बिना ये फिल्म नहीं बनाते ओम राउत। क्यों हुई थी कृति बॉडी शेमिंग का शिकार? कितने दिनों में पूरी हुई आदि पुरुष की शूटिंग? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज के दिलचस्प गलियारे में। इस साल की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्म आदि पुरुष को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। फैंस इस फिल्म से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी खबर जानना चाहते हैं। डायरेक्टर ओम राउत के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में प्रभास भगवान राम का, सैफ अली खान रावण का, कृति सैनन सीता का और सनी सिंह श्री लक्ष्मण का रोल निभाते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत ने कहा कि अगर प्रभास इस फिल्म को करने के लिए हाँ नहीं करते तो वो ये फिल्म नहीं बनाते। ओम ने कहा कि इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग पूरी होने के बाद भगवान राम का रोल निभाने के लिए उनके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आया और वो नाम था बाहुबली फेम एक्टर प्रभास का। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि प्रभास उन्हें बहुत सच्चे और अच्छे इंसान लगते हैं और उन्हें उम्मीद है कि ऑडियंस को भी ऐसा ही लगता होगा और ऑडियंस इस फिल्म से अच्छे से कनेक्ट कर पाए, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म में भगवान राम के रोल के लिए सिर्फ प्रभास को ही कास्ट करने की सोची। साथ ही फिल्म की फीमेल लीड रोल को लेकर मेकर्स ने कई दिनों तक गहरा विचार विमर्श किया और तब कहीं अंत में जाकर फीमेल लीड यानी माँ सीता के रोल के लिए बरेली की बर्फी कृति सैनन को अप्रोच किया गया। वैसे क्या आपको पता है कि बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा कृति सैनन ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो अपने करियर के शुरुआती दिनों में कई लोगों द्वारा बॉडी शेमिंग का शिकार हुई थी। कृति ने बताया कि उन्हें किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस ने वेस्ट का साइज कम करने को कहा था। इतना ही नहीं, कृति ने बताया कि उन्हें इस फील्ड में लगातार कई लोगों ने कभी उनके लिप्स के लिए, कभी उनकी नोज के लिए तो कभी उनकी स्माइल के लिए टोका और उन्हें लिप्स और नोज सर्जरी कराने तक को कहा गया था। हालांकि कृति का कहना है कि वो लोगों द्वारा दिए गए इस कमेंट्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है और वो अपनी लाइफ अपनी मर्जी से ही जीती है।
कृति सैनन इन दिनों अक्षय कुमार के साथ बच्चन पांडे की शूटिंग कर रही हैं और साथ ही बेधिया, गणपत, सहजादा और आदि पुरुष जैसी फिल्मों में भी कृति अपनी बेहतरीन अदाओं का जादू बिखेरती नजर आएंगी। बात करें अगर फिल्म आदि पुरुष की शूटिंग की तो वो पूरी हो चुकी है। फिल्म में काम कर रहे सभी एक्टर्स ने जी तोड़ मेहनत की है। इसकी शूटिंग मात्र 103 दिनों में पूरी कर ली गई थी। जैसी ये फिल्म है उस हिसाब से ऑडियंस शूटिंग की ड्यूरेशन काफी लंबी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इस फिल्म के मेकर्स और एक्टर्स ने दिल खोलकर मेहनत की और इस फिल्म की शूटिंग बहुत ही जल्दी सिर्फ 103 दिनों में पूरी कर ली। अब फैंस बस फिल्म के रिलीज होने का ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक, इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर क्या नवाब साहब खड़े उतरेंगे अपने रोल में? डायरेक्टर को चाहिए किसका साथ? हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्राची योर होस्ट फॉर टुडे एंड आई वेलकम यू ऑल टू बॉलीग्रैड स्टूडियो। प्रभास फिल्म बाहुबली में एक राजकुमार योद्धा का किरदार निभाते हुए हमें नजर आए थे। वहीं अब जल्द ही उनकी एक और माइथोलॉजिकल फिल्म आने वाली है जिसका नाम है आदि पुरुष, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं ओम रावत, जो पहले से भी ज्यादा भव्य और बड़े राजकुमार के किरदार में दिखने वाले हैं। और इस बार बाहुबली प्रभास हमें नजर आएंगे श्री राम के अवतार में। वैसे तो हम हमेशा प्रभास के राजकुमार लुक से इम्प्रेस होते आए हैं, पर दर्शकों के अलावा कोई और भी व्यक्ति है जो प्रभास के एक्टिंग हो या फिर उनका लुक, उनका दीवाना हो गया है। दरअसल ये ना तो कोई लड़की है ना कोई फैन है, पर ये है फिल्म के डायरेक्टर ओम रावत। जी हाँ, डायरेक्टर साहब इतने दीवाने हो गए थे कि उन्होंने कह दिया था कि अगर प्रभास इसमें राम का किरदार नहीं निभाएंगे तो वो फिल्म ही नहीं बनाएंगे। अब डायरेक्टर साहब भी जानते हैं कि अगर प्रभास फिल्म में हो और वो फिल्म हिट तो होनी ही है, और वो भी जब स्पेशली माइथोलॉजिकल बेस्ड फिल्म है। ये तो सबको पता है कि भगवान राम के किरदार को प्रभास बखूबी से निभा लेंगे, लेकिन हर कहानी में हीरो का ही होना काफी नहीं है, तभी तो फिल्म में विलेन की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। तभी तो इस फिल्म में रावण भी है और रावण का किरदार निभा रहे हैं सैफ अली खान। ये उनके लिए काफी चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि रावण का किरदार निभा चुके अरविंद त्रिवेदी की छाप दर्शकों के दिल में है, क्योंकि उन्होंने रावण का किरदार निभाया था जो सभी दर्शकों को आज तक याद है। इन्होंने रामानंद सागर की टीवी सीरीज रामायण में रावण का रोल निभाया था जो दर्शकों को काफी पसंद आता था। एक बात तो है, सैफ ने जब भी कोई निगेटिव रोल किया है तो दर्शकों का ध्यान अपनी ओर तो खींचा ही खींचा है। फिर चाहे तन्हा जी हो या ओमकारा, सैफ ने इन किरदारों से अपना एक बेंचमार्क सेट कर लिया है। वैसे रावण का किरदार थोड़ा निगेटिव किरदार से हटकर है, क्योंकि रावण एक ऐसा इंसान था जो जटिल, बुद्धिमानी और अहंकार से भरा हुआ था। उसमें एक साथ 10 भावनाएं छुपी हुई थी। ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक, इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे, मैं तुम्हारा हूं। रहा है हनुमान जी का रोल, कौन से सीरियल के लिए खास माने जाते हैं देवदत्ता नागा। पैन इंडिया एक्टर प्रभास के पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है अभी रिसेंटली, और साथ ही बहुत से बॉलीवुड एक्टर्स के साथ कोलैबोरेट करने वाले हैं वो, और उसमें से एक फिल्म होने वाली है आदि पुरुष, जिसमें प्रभास के साथ साथ बॉलीवुड के फेमस एक्टर कृति सैनन, सैफ अली खान, सनी सिंह स्टार करने वाले है। नाम सुन के तो दिख ही रहा है कि कितनी इंटरेस्टिंग कास्ट होने वाली है, और साथ ही कैरेक्टर्स भी उतने ही मजेदार होने वाले है, जैसे कि राम, सीता, लक्ष्मण, रावण। और ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं ओम रावत। तो दोस्तों, बॉलीग्रैड सिटीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस फिल्म में राम का रोल प्रभास निभाने वाले हैं, रावण का रोल सैफ निभाएंगे, कृति सीता का रोल निभाएगी एंड सनी लक्ष्मण का।
तो हनुमान जी का रोल कौन निभाने वाला है? इस फिल्म की कहानी रामायण पे बेस्ड है तो हनुमान जी का रोल भी तो कोई निभाने वाला है, और ये रोल फेमस एक्टर देवदत्ता नागा, जो काफी फेमस टेलीविजन एक्टर है, वो निभाने वाले है। उन्होंने वीर शिवाजी सीरियल से शुरुआत की है अपने करियर की, जिसमें उन्होंने तानाजी मालुसूरे का रोल निभाया था, और इसके अलावा 2-3 सीरियल में भी काम किया है उन्होंने। वो मेनली उनके सीरियल जय मलार के लिए माने जाते हैं, जो सी मराठी पर आता था शो, और उन्होंने बहुत सी मराठी सीरीज में हिस्सा लिया है, एंड अब इस फिल्म में हनुमान का रोल निभाएंगे। और तो वो ऐसे माइथोलॉजिकल जॉनर वाली सीरीज एंड फिल्म में काफी आए हुए है, तो हनुमान का रोल तो काफी सूट करेगा उन्हें, एंड एक्टिंग तो हमें फिल्म देखने की। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे, मैं तुम्हारा हूं। जो धर्म मेरी मां ने मुझे सिखाया है, उसे साक्षी मानकर वचन देता हूं, तुम्हारे गौरव और मर्यादा पर किसी भी परिस्थिति में आंच नहीं आने दूंगा। फिल्म की टेक्निक यूज होगी इस फिल्म में, और कौन सी फिल्म में हमें ये टेक्निक फर्स्ट टाइम देखने मिली थी? अभी जल्दी ही एक बड़ी बजट वाली फिल्म आने वाली है, जिसका नाम है आदि पुरुष, जिसे ओम राव डायरेक्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन्होंने ही तानाजी फिल्म डायरेक्ट की थी, वो भी हाई बजट वाली फिल्म थी। ये फिल्म में स्टोरी रिवॉल्व करने वाली है ग्रेट रामायण पर, जिसमे प्रभास, कृति सैनन, सैफ अली खान एंड सनी सिंह स्टार करने वाले है। और बता दें कि ये फिल्म हमें 3D में देखने को मिलेगी, जो काफी एंटरटेनमेंट वाली बात है, क्योंकि काफी समय बाद 3D मूवी आ रही है। ये फिल्म रिलीज होने वाली है इसी साल अगस्त 11 को। तो दोस्तों, बॉलीवुड सिटीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस फिल्म में ऐसा टेक्नोलॉजी यूज किया गया है जिसमें एक्टर्स परफॉर्मेंसेस दे रहे है, जिस चीज को बाद में डिजिटल एनिमेशन में कन्वर्ट किया जाएगा। ये टेक्निक बेसिकली सिंबाद, अवतार जैसी फिल्म के बाद पॉपुलर हुई है, और स्पेशली ये टेक्निक वीडियो गेम्स में ज्यादा पॉपुलर है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ये आइडिया से काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि उनका कहना है कि एक न्यू कंसेप्ट से फिल्म बनाना एक स्टेप आगे है इंडस्ट्री के लिए। ओमन उनकी टीम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आदि पुरुष के वर्ल्ड को क्रिएट कर रहे है, जिसे फर्स्ट टाइम देखने मिलने वाला है, क्योंकि पहले कभी ऐसी फिल्म बनाई नहीं गई है। और तानाजी में भी कुछ ऐसे ही इफेक्ट्स यूज किए गए थे, तो शायद ये बोल सकते हैं कि समवत सेम टेक्निक है। इस फिल्म में हाई एंड विजुअल देखने को मिलेगा, जिसको रियल टाइम टेक्नो के साथ कंबाइन किया गया है। अब ये देखने में बड़ा मजा आने वाला है, एंड साथ ही फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है रामायण के बारे में सुन के। आज के लिए बस इतना ही, और ऐसी अपडेट। ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक, इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे, मैं तुम्हारा हूं। इस फिल्म के टाइटल का क्या मतलब है? इस फिल्म के पोस्टर रिव्यू में कितने कैरेक्टर्स नजर आए? फिल्म मेकर ओम राउत की लेटेस्ट अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष तो मल्टीलिंगुअल पीरियड फिल्म है, जल्दी ही दिखने वाली है थिएटर्स में। फिल्म की शूटिंग अभी हाल ही में खत्म हुई है, और इसमें प्रभास, कृति सैनन, सैफ अली खान एंड सनी सिंह स्टार करने वाले हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात बता दे कि ये 3D एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, वो भी जबरदस्त VFX के साथ। इसका मतलब ये है कि फिल्म बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और तो इस फिल्म की शूटिंग 103 डेज में ही खत्म हो चुकी थी, और हमें ये जल्द ही नजर आने वाली है थिएटर्स में, वो भी 11th अगस्त 2022 को। तो दोस्तों, बॉलीवुड सिटीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग माइथोलॉजिकल फिल्म आदि पुरुष के बारे में, तो इस फिल्म के अपडेट जानने के लिए ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस फिल्म के पोस्टर ने ये रिवील किया है कि इसमें काफी सारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स होने वाले हैं, जैसे राम, सीता, रावण, लक्ष्मण, और साथ ही फिल्म का टाइटल भी माइथोलॉजिकल रेफरेंस दे रहा है, का काफी प्योर मीनिंग है, बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न। यही चीज पे पूरी मूवी रिवॉल्व करने वाली है, और हिंदी माइथोलॉजी के अनुसार लॉर्ड रामा को भी आदि पुरुष माना जाता है। इस फिल्म के टाइटल से काफी अच्छा आइडिया मिल गया है कि इस फिल्म की कहानी क्या होने वाली है। फिल्म की कहानी रामायण पे बेस्ड होगी, जो 30,000 ईयर्स पुरानी कहानी है। इस कहानी में रावण राम से बदला लेते हैं सीता का हरण करके, क्योंकि लक्ष्मण के कारण राम की बहन सुपर्णा का नाक कट जाती है।
खैर इस फिल्म की कहानी सभी को पता है क्योंकि रामायण काफी ज्यादा फेमस है। ओम राउत को अपनी ड्रीम कास्ट के साथ काम करने मिल रहा है इस फिल्म में, इसलिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है। सैफ ने ओम राउत की एक और माइथोलॉजिकल फिल्म में काम किया है जो है तानाजी एंड अब आदि पुरुष। आपको बता दी कि दोनों फिल्म्स में उन्होंने नेगेटिव रोल निभाकर फैंस को काफी ज्यादा खुश किया है। बट इन दोनों फिल्म्स के दौरान सैफ की एक स्टेटमेंट को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान चीजें गलत वे में पोर्ट्रे कर दी थी जो अभी सॉल्व हो चुकी है। खास नहीं ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक, इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे, मैं तुम्हारा हूं। जो धर्म मेरी माँ ने मुझे सिखाया है उसे साक्षी मानकर वचन देता हूं, तुम्हारे गौरव और मर्यादा पर किसी भी परिस्थिति में आंच नहीं आने दूंगा। अपना हाथ दो। हिंदी सिनेमा में कौन सी फिल्म से डेब्यू किया है, कौन सी मराठी फिल्म हिट है उनकी? आदि पुरुष फिल्म डायरेक्ट की गई है ओम राउत द्वारा जिन्होंने तानाजी बनाई है। काफी हिट हुई है ये फिल्म। तानाजी फिल्म रिलीज हुई थी जनवरी 2020 में एंड अब उसके बाद हमें ये माइथोलॉजिकल फिल्म देखने वाली है थिएटर्स में। आदि पुरुष फिल्म में हमें कीर्ति सैनन, सनी सिंह, सैफ अली खान एंड प्रभास देखने वाले हैं और ये एपिक रामायण पे बेस्ड होने वाली है। ये फिल्म अगस्त में रिलीज होगी। और एक और इंटरेस्टिंग बात बता दें कि ये काफी हाई बजट फिल्म होने वाली है। तो दोस्तों बॉलीवुड एंबेसडर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस अपकमिंग फिल्म के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ओम राउत एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर, राइटर एंड प्रोड्यूसर है और उन्होंने आज तक सिर्फ हिंदी एंड मराठी फिल्म्स में काम किया है और ये फर्स्ट टाइम होगा कि वो तेलुगु एक्टर के साथ काम करने वाले हैं। उन्हें काफी अवार्ड्स भी मिले हैं और स्पेशली उनकी हिट मराठी फिल्म लोकमान्य के लिए मिला है। तानाजी फिल्म से ओम राउत का डायरेक्शनल डेब्यू हुआ था जिसके लिए उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है एंड तानाजी फिल्म तो काफी हिट हुई है। ओम राउत को हमेशा से एक मोशन पिक्चर का डायरेक्टर बनना था एंड अब वो फाइनली हो रहा है। ये उनके लिए काफी ज्यादा प्राउड मोमेंट है। आपको बता दें कि आदि पुरुष के लिए ओम राउत काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वो इतने श्योर है इस मूवी के हिट होने पे क्योंकि इसमें इंडस्ट्री के बेस्ट एक्टर्स काम कर रहे हैं एंड उनका कॉन्फिडेंस भी काफी बना हुआ है। और उन्होंने कहा है कि आदि पुरुष कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं है, ये एक ऐसी फिल्म है जो विद इन टीम मिशन है। सब कास्ट एंड क्रू ने काफी अच्छी मेहनत की है एंड सबका गोल एक ही था इस जर्नी के दौरान। अब फिल्म कैसी होगी वो तो बाद में ही पता चलने वाला। ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक, इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। कौन कौन होने वाला है इस फिल्म में, कौन सी लैंग्वेज में शूट हुई है ये फिल्म? ये 2022 में हमें हिंदी माइथोलॉजिकल फिल्म देखने वाली है थिएटर्स में जो एपिक रामायण पे आधारित होगी। इस फिल्म का नाम है आदि पुरुष। ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं ओम राउत एंड प्रोड्यूस कर रहे हैं टी सीरीज एंड रेट्रोफाइल्स। इस फिल्म को साइमल्टेनियसली शूट किया गया है हिंदी एंड तेलुगु लैंग्वेज में और इस फिल्म में प्रभास, कृति सैनन, सैफ अली खान और सनी सिंह स्टार करने वाले हैं। और एक बात बता दें आपको कि ये इंडियन सिनेमा की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म होने वाली है जो आज तक कभी बनाई नहीं गई है। तो दोस्तों बॉलीवुड सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस फिल्म में प्रभास भगवान राम का रोल प्ले करेंगे, कृति सैनन सीता का, सैफ अली खान रावण का एंड सनी लक्ष्मण का। ये फिल्म हमें अगस्त में नजर आएगी एंड इस न्यूज से फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड भी है, जिसकी वजह ये है कि काफी टाइम बाद कोई माइथोलॉजिकल फिल्म रिलीज होने वाली है। आफ्टर द सक्सेस ऑफ तानाजी, ओम राउत अब फुल ऑन रेडी है एक और हिस्टोरिकल मूवी को लाने के लिए। और तो इस फिल्म की शूटिंग भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये फिल्म बजट वाइज सुनने में लग रही है कि बाहुबली से भी ग्रैंड होगी एंड फिल्म के बारे में सुनने में तो काफी मजा आ रहा है। एंड इसकी कास्ट जो है उसमें से प्रभास ने ऑलरेडी फिक्शनल माइथोलॉजिकल फिल्म की है जो है बाहुबली के दोनों पार्ट्स, जिसमें उन्होंने लीड रोल निभाया है।
और सैफ अली खान फिल्म में विलन के रूप में दिखे थे तानाजी में, और फिर नजर आने वाले हैं इस फिल्म में वो भी विलन के रूप में। अब देखना ये है कि बाकी की ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक, इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे, मैं तुम्हारा हूं। ओमिक्रॉन ने फिर से किसे किया प्रभावित, मेकर्स ने क्या की प्लानिंग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल बॉलीग्रांड स्टूडियोज में। आजकल पैन इंडिया फिल्मों का चलन चल रहा है, जिसमें प्रभास ने सबसे पहले इंडस्ट्री को बाहुबली फिल्म दी, उसके बाद यश की केजीएफ, और उसके बाद धीरे धीरे सब स्टार फिल्में लेकर आ रहे हैं। अब इसमें प्रभास की और भी कई पैन इंडिया फिल्में रिलीज होने को तैयार है, जिसमें आदि पुरुष भी शामिल है। पैन इंडिया स्टार प्रभास की अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म आदि पुरुष पर इस वक्त हर किसी की नजर है। इस फिल्म को अजय देवगन स्टारर फिल्म तानाजी के निर्देशक ओम रॉथ बना रहे हैं। फिल्म का निर्माण 3D तकनीक से हो रहा है, जिसके लिए मुंबई में पूरे जोश से शूटिंग चल रही है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बीच भी इस फिल्म की शूटिंग में निर्माताओं ने ब्रेक नहीं लगाया है। हालांकि शूटिंग को बंद करने का कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन फिल्म की शूटिंग प्लेसेस पर सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। आपको बता दें, फिल्म को काफी विशाल स्तर पर बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से इस फिल्म की शूटिंग के वक्त लगभग 200 लोगों का क्रू सेट पर हमेशा मौजूद रहता है। ऐसे में कोरोना के नियमों का ध्यान भी रख पाना काफी मुश्किल है। बावजूद इसके फिल्म मेकर शूटिंग पर ब्रेक लगाने के मूड में नहीं है, इसलिए निर्माताओं ने इसका एक बड़ा तोड़ निकाला है। ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव के कारण मुंबई, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में न्यू ईयर को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसलिए सावधानी बरतते हुए आदि पुरुष फिल्म के निर्माताओं ने प्रभास, सैफ अली खान और प्रीति स्टारर की इस मेगा बजट की फिल्म की शूटिंग के लिए अपने क्रू को काफी लिमिटेड कर दिया है। अब फिल्म की शूटिंग 25 लोगों की मौजूदगी में ही हो रही है। अब सेट पर सीन से जुड़े लोग और क्रू के 25 लोग ही मौजूद रहते हैं। इस फिल्म की शूटिंग ग्रीन स्क्रीन पर हो रही है, जिस पर बाद में कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से खूबसूरत लोकेशन दिखाई जाएंगी। इस तकनीक की वजह से शूटिंग के सेट पर ज्यादा लोगों की मौजूदगी जरूरी नहीं है। फिल्म निर्माता प्रभास स्टारर फिल्म की शूटिंग तय वक्त तक पूरा करने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। यह फिल्म अभी सिर्फ शूटिंग फेज में ही है। यह फिल्म 11 अगस्त 2022 को रिलीज की जाएगी। इस फिल्म में सैफ अली खान मेन विलन लंकेश के किरदार में दिखेंगे, वहीं प्रीति सीता का रोल निभाने वाली है। सुपरस्टार प्रभास प्रभु श्री राम के किरदार में दिखेंगे। रावण महाराज को मारने के लिए समंदर पार करना पड़ता है। किस पर है प्रभास मेहरबान? कहां बांट रहे हैं प्रभास तोहफे? कौन है बॉलीवुड के बोरिंग सेलेब्स? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। साउथ सुपरस्टार प्रभास की जहां राधे श्याम फिल्म 14 जनवरी को आने वाली है, वहीं दूसरी ओर माइथोलॉजिकल फिल्म आदि पुरुष का भी शोर हर जगह सुनने को मिल रहा है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि प्रभास खाने पीने के बहुत शौकीन हैं और खिलाने के भी, फिर चाहे वो सेट पर हो या फिर अपने को स्टार को खाना खिलाना हो या फिर उनके मनपसंद की बिरयानी घर भिजवानी हो। अगर प्रभास आपकी फिल्म का हिस्सा हैं, तो आपको टेस्टी खाने की टेंशन नहीं लेनी होगी। लेकिन आदि पुरुष के साथ ही प्रभास ने एक और चीज स्टार्ट कर दी है, और वो है महंगी गिफ्ट्स देना। जी हाँ, फिल्म में अपने टीम मेंबर्स का डेडिकेशन देख के प्रभास काफी खुश हुए हैं। ऐसे में उन्होंने गिफ्ट्स का एक ढेर लगा दिया है और अपने टीम मेंबर्स को राडो की रिस्ट वॉच तोहफे में दी। 103 दिन तक फिल्म का शूट चला था, और कहते हैं ना, एक फिल्म को बनाने में हीरो हीरोइन के साथ साथ पूरी टीम की भी जरूरत होती है, जिसमें कैमरामैन से लेकर स्पोर्ट बॉय तक शामिल होते हैं। जब सोशल मीडिया पर टीम के एक क्रू मेंबर की इमेज सामने आई, जिसमें प्रभास उन्हें वॉच गिफ्ट कर रहे हैं, और तभी से ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और दर्शक प्रभास का ये जेस्चर देख काफी खुश भी हुए।
वैसे पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि प्रभास अपने किसी चाहने वाले के काम से खुश होकर उसे गिफ्ट करना ना भूलें। इससे पहले भी उन्होंने अपने फिटनेस ट्रेनर को रेंज रोवर गिफ्ट की थी। बस अब देखना यह है कि जब फिल्म थिएटर पर आएगी तो प्रभास ने अपने फैंस के लिए जो गिफ्ट तैयार किया है वो कितना जबरदस्त होता है। और नहीं तो क्या प्रभास की फिल्म अगर जबरदस्त हुई तो इससे बढ़िया तोहफा और क्या होगा उनके फैंस के लिए, क्योंकि फिल्म ही एक ऐसी जगह है जहां प्रभास खुलकर सामने आते हैं। वरना आप उनका कोई भी इंटरव्यू या कोई शो देखेंगे तो प्रभास आपको एकदम शांत नजर आएंगे, और वो कितना शांत रहते हैं ये तो हालांकि हमें दीपिका बता चुकी है। जी हाँ, दीपिका और प्रभास जल्द ही प्रोजेक्ट के नाम की फिल्म एक साथ करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है, जिस पर उन्होंने कहा अब सेट पर खामोशी छाने वाली है, क्योंकि उनको भी ज्यादा बोलना पसंद नहीं और प्रभास को भी। वैसे इंडस्ट्री में इकलौते प्रभास ही नहीं जो कम बोलते हैं, इस लिस्ट में है ऋतिक रोशन। ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक, इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे, मैं तुम्हारा हूं। क्या बॉलीवुड को पता चल गई है जनता की आइडियोलॉजी? सो हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज, और मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो आदि पुरुष एक माइथोलॉजिकल फिल्म होने वाली है, ऐसे में जनता जहाँ एक तरफ काफी खुश नजर आ रही है, वहीं इससे बॉलीवुड मेकर्स भी काफी खुश हैं। वैसे काफी समय से इंडस्ट्री में एक ट्रेंड चल चुका है और वो है माइथोलॉजिकल फिल्मों का। आजकल की जनता यानी हमारी यंग जनरेशन जो काफी उत्सुक रहती है हमेशा कुछ नया और हिस्टोरिकल बातें जानने को, ऐसे में सिनेमा जगत में फिलहाल में काफी ऐसी फिल्में आ चुकी हैं और आने वाली हैं जो ऐसी ही हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल फैक्ट से कनेक्टेड है, जिसमें कि ब्रह्मास्त्र, राम सेतु, आदि पुरुष, चाणक्य, पृथ्वीराज, पोनियन सेल्वन, महावीर कर्ण, द इमोर्टल अश्वात्मा, द्रौपदी, रामायण, सुहेल देव, ऐसी कई फिल्में आने वाली हैं। अब ये सभी फिल्मों को देख के तो यही लग रहा है कि बॉलीवुड में नए ओरिजिनल कंटेंट की कमी पड़ रही है। तभी अब डायरेक्टर और राइटर्स पुरानी कहानियों और उसके पीछे के रहस्यों को अपने फिल्म के जरिए दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही आदि पुरुष भी एक माइथोलॉजिकल फिल्म है, जिसमें आपको बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी देखने को मिलने वाली है। और अच्छाई है तो भगवान राम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी तो इस फिल्म में प्रभास भगवान राम का किरदार निभाएंगे और सैफ अली खान रावण का। और जहां राम वहां सीता ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए इस फिल्म में भी कृति सानन आपको सीता के रोल में नजर आएंगी। वैसे जल्दी ही कृति अनुराग कश्यप की अपकमिंग फिल्म दोबारा में भी नजर आएंगी, जिसे प्रोड्यूस करेंगे निखिल द्विवेदी। इसकी जानकारी बुधवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अनुराग ने खुद शेयर की। और इस फिल्म में कृति के अलावा तापसी पन्नू भी नजर आएंगी, आदि पुरुष जो कि तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में रिलीज की जाएगी। ये फिल्म 11 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में देखी जाएगी। फिल्म के निर्माता हैं भूषण कुमार, तो तैयार रहिएगा। ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक, इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। कौन है इंडिया का हाईएस्ट पेड एक्टर? क्या प्रभास बन रहे हैं दूसरे आमिर खान? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। बाहुबली फेम प्रभास को अब किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत तो है नहीं, और जब से एक के बाद एक उनके जबरदस्त फिल्में सामने आ रही हैं, तब से तो दोस्तों बस ऐसा हो रहा है कि हर तरफ बस प्रभास ही प्रभास हुए जा रही है, फिर चाहे वो दर्शकों के दिल हो, सोशल मीडिया हो या फिर थिएटर।
जल्द ही प्रभास की राधे श्याम और आदि पुरुष फिल्में आने वाली हैं और बता दे कि आदि पुरुष एक मैथोलॉजिकल फिल्म है जिसमें एक बार फिर बाहुबली अभिनेता मैथोलॉजिकल लुक में दिखाई देंगे। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि प्रभास ही क्यों हमेशा मैथोलॉजिकल फिल्मों के लिए पहली पसंद होते हैं। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाहुबली के बाद से प्रभास का ग्राफ एकदम से हाई चला गया है, तभी तो आदि पुरुष के लिए प्रभास को इतनी मोटी रकम दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आदि पुरुष के लिए प्रभास को 150 करोड़ रुपए दिए गए हैं और दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि इंडियन सिनेमा में ये सबसे ज्यादा रकम चार्ज हुई है अब तक। इससे पहले सलमान खान ने सुल्तान और टाइगर जिंदा है के लिए भी इतना चार्ज नहीं किया था, जो कि अब तक का हाईएस्ट पेइंग अमाउंट बताया जा रहा है। तो आप इस बात से ही प्रभास की डिमांड का अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे दोस्तों लगता है प्रभास अब आमिर खान बनने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जहां आमिर खान सिलेक्टिव लेकिन बेस्ट फिल्म्स करते हैं, वैसे ही प्रभास भी काफी सोच समझकर कुछ ही फिल्में साइन करते हैं और वो फिल्म काफी सुपर डुपर हिट जाती हैं। अभी देखना काफी मजेदार होगा कि लाल सिंह चड्ढा और वही दूसरी और प्रभास की आदि पुरुष में से कौन सी फिल्म और कौन सा एक्टर बॉक्स ऑफिस पर अपना परचम लहरा पाता है। बता दो दोस्तों कि अब आदि पुरुष फिल्म में प्रभास संग सैफ अली खान और कृति सानन नजर आएंगे। इस फिल्म के अलावा प्रभास जल्द ही राधे श्याम फिल्म में पूजा हेगड़े। ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक, इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे, मैं तुम्हारा हूं। है इंडोनेशियन रामायण का आदि पुरुष कनेक्शन, कौन सी 90s की सुपरस्टार दिखाई जाएंगी आदि पुरुष में डांस का जलवा और कौन लेगा सीता का पक्ष। हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज गाइज, और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। हिंदू मैथोलॉजी रामायण पर बेस्ड आदि पुरुष फिल्म के 100 के दिन वे शूटिंग हाल ही में दिवाली के खास मौके पर पूरी हुई है। दोस्तों फैन इस खबर से फिल्म को लेकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। रामायण जिसका अस्तित्व तो है इंडिया में शुरू हुआ था, लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया में इसकी झलक आप देख सकते हैं। इंडोनेशियन रामायण इसी का एक हिस्सा है और उनका तरीका इस रामायण को बताने का काफी अलग है। इसी तरीके को आदि पुरुष में इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडोनेशियन रामायण डांस के तरह से इस कहानी को बताते हैं। दोस्तों सामान की खास बात यह है कि दोस्तों इसमें राम की बजाय सीता को असली हीरो बताया गया है अपने डांस के जरिए। उन्होंने सीता की स्ट्रेंथ और सैक्रिफाइसेस, उनकी पीड़ा को सबसे ज्यादा उजागर करके लोगों के सामने रखा है। अब दोस्तों ऐसा ही कुछ सुनने के जरिए भी दिखाया जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आदि पुरुष फिल्म में एक हिस्सा ऐसा होगा जहाँ सीता माँ के बलिदान उनके दुखों को साफ तौर से उजागर करता हुआ दिखाया जाएगा, जो बताएगा कि श्री राम ही असली हीरो नहीं है, उनके साथ साथ माँ सीता भी एक सुपर वुमेन थी। अब आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि कौन इस किरदार को निभाएगा, तो हमें आपको बताते हुए बेहद ही खुशी हो रही है कि अपने क्लासिकल डांस और अपनी अदाकारा के साथ इस कैरेक्टर को बॉलीवुड के 90s की सुपरस्टार रेखा निभाती हुई नजर आ सकती हैं। रेखा के क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस और उनकी अदाकारी को आज भी लोग याद करते हैं और आज भी कई स्क्रीन में जो अपने डांस परफॉर्मेंस देती हैं तो लोग हैरतअंगेज हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों सीता को जस्टिफाई करने का कैरेक्टर उनसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता। किस तरह वो अपने कैरेक्टर को निभाती हैं और क्या नयापन अपनी अदाकारी में इस बार दिखाएंगी, ये तो दोस्तों अब हमें ये देखने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों फिल्म से जुड़ी और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड। ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक, इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। बॉलीवुड में रहा पहले रोमांस, एक्शन, कॉमेडी फिल्मों के
पीछे कैटेगरी की फिल्में देखने को मिलती थी, वही अब जहां सब बदल रहा है वही कैटेगरी में अब भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तभी तो दर्शकों बॉलीवुड में इसके बाद एक लगातार माइथोलॉजिकल फिल्मों का बैक टू बैक चलन चल पड़ा है, ब्रह्मास्त्र, बाहुबली 3, आदि पुरुष। ऐसे में अब अगर ये सब कैटेगरी की जगह माइथोलॉजिकल फिल्म ने ले ली है तो अब हीरो की भी जगह तो बदलेगी ना, क्योंकि जब सरकार बदलती है तो उससे पहले वाला तो बदलता ही है और फिर देश में भी उसी का बोलबाला भी रहता है। ऐसे में सबको पता है कि रोमांस का बादशाह है SRK, और अब जहाँ माइथोलॉजिकल की बात है तो उसका तो सरदारो मदार संभाला है बाहुबली से सुपरस्टार बनने वाले प्रभास ने, और जहाँ प्रभास अब हर डायरेक्टर की पहली चॉइस बनने जा रहे हैं, फिर चाहे वो रोमांटिक बेस मूवी हो राधे श्याम या एक्शन मूवी 2-4। और जब बात माइथोलॉजिकल की हो तो प्रभास उस मूवी का हिस्सा ना हो तो वो तो मूवी का हिस्सा जाना थोड़ा थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। तभी तो बाहुबली से लाइमलाइट में आने वाले प्रभास आदि पुरुष अब छाने वाले हैं एक बार फिर से, क्योंकि बताया जा रहा है कि आने वाली आदि पुरुष मूवी में बाहुबली से भी ज्यादा जबरदस्त VFX यूज होने वाला है। फुल मूवी 3D ग्रीन शीट पर शूट की जा रही है। बॉलीवुड में इससे पहले भाईजान की मूवी सुल्तान में कई जगहों पर ग्रीन शीट का यूज किया गया था, जैसे लास्ट में हुई रेसिंग मूवी में नाई टूटने वाला सीन, ये सब ग्रीन शीट पर शूट किया गया था। और अब आने वाली आदि पुरुष मूवी में ऑलमोस्ट सारी सीन के लिए ग्रीन शीट का यूज किया जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि आने वाली आदि पुरुष कितना धमाकेदार होने वाली है, जिसे देख आपके सच में होश उड़ने वाली है। और बाहुबली से कई ज्यादा जबरदस्त होने वाली है ये मूवी हर मामले में। तो जिस मूवी से प्रभास हीरो बने तो आने वाली इस मूवी से तो सुपरस्टार बने से उन्हें शायद ही अब कोई रोक। ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक, इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। किस भारतीय पौराणिक कथाओं से प्रेरित है आदि पुरुष? कौन दे सकता है आदि पुरुष को कड़ा मुकाबला? कौन सी हीरोइन थी मेकर्स की पहली पसंद? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। आदि पुरुष एक अपकमिंग भारतीय पौराणिक फिल्म है जो हिंदू माइथोलॉजी रामायण पर आधारित है। आदि पुरुष के राइटर और डायरेक्टर हैं ओम राउत। आदि पुरुष एक एक्शन ड्रामा मूवी है। निर्माताओं ने खुलासा किया है कि प्रभास भगवान राम का रोल कर सकते हैं। सैफ अली खान, जो पहले से ही तानाजी में खलनायक के रूप में काम कर चुके हैं, उन्हें लंकेश के नाम से रावण की भूमिका में साइन किया गया है। कृति सैनन को सीता के रोल के लिए चुना गया है। सनी सिंह यानी कि लक्ष्मण का रोल प्ले करेंगे। वत्सल सेठ मेघनाथ का रोल प्ले कर सकते हैं। देवदत्ता नागे हनुमान का रोल प्ले करने वाले हैं। अब बारी आती है इस मूवी के विलन की। आदि पुरुष में विलन का रोल किया है सैफ अली खान ने। सैफ अली खान इस फिल्म में लंकेश का रोल प्ले कर रहे हैं। तो कौन दे सकता है आदि पुरुष को कड़ी टक्कर? ये सबसे बड़ी क्लैशेस में से एक माना जाता है, क्योंकि ये फिल्म अक्षय कुमार की रक्षाबंधन से टकराएगी। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, एक तरफ अक्षय कुमार और दूसरी तरफ प्रभास, तो कौन बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारेगा। रक्षाबंधन में भूमि पेडनेकर भी है, जो अक्षय कुमार के साथ टॉयलेट एक प्रेम कथा में नजर आई थी, और फिर एक बार वो रक्षाबंधन के जरिए इस फिल्म से अक्षय कुमार के साथ जुड़ेंगी। और इस मूवी के डायरेक्टर हैं आनंद एल रॉय। इसे हिमांशु शर्मा और कनिका ढिल्लो ने लिखा है। इसमें अक्षय कुमार एज अ प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए हैं, और साथ ही इस फिल्म में अक्षय कुमार की बहन अलका हीरा नंदानी भी इस फिल्म से जुड़ी हुई हैं, और ये उनकी पहली मूवी है। तो ये देखने में मजा आएगा कि कौन सी मूवी बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखाएगी। आदि पुरुष के मेकर्स के लिए कृति सैनन नहीं थी पहली चॉइस। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आदि पुरुष के मेकर्स के लिए पहली चॉइस कौन थी, यानी कि फर्स्ट चॉइस।
तो फर्स्ट चॉइस थी अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा, कियारा आडवाणी और कीर्ति सुरेश को देवी सीता की भूमिका के लिए संपर्क किया गया था। किसी कारणवश उन्हें ये रोल नहीं मिला। कृति सेनन को सीता के रोल के लिए चुन लिया गया है। कीर्ति सुरेश, क्या खासियत है कीर्ति सुरेश में जो बॉलीवुड की सारी हीरोइन को पछाड़ दिया? आदि पुरुष में किसका रोल निभाने वाली है? हेलो दोस्तों, दिस इज प्राची योर होस्ट फॉर टुडे विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म में प्रभास की आदि पुरुष भी शामिल है। फिलहाल फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी गई है, लेकिन करोड़ों की लागत में बनने वाली ये फिल्म अपनी कास्टिंग को लेकर काफी चर्चों में है। इस फिल्म की शूटिंग की प्लानिंग मुंबई में की जा रही है। ओम राउत अपने इस फिल्म का निर्माण शुरू करने से पहले कास्टिंग को लेकर किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते। प्रभास निभाएंगे श्री राम की भूमिका तो सैफ अली खान बनेंगे रावण। कृति सेनन हमें दिखाई देंगी सीता के किरदार में। अब बात आती है लक्ष्मण और उर्मिला की। तो आपको बता दें, लक्ष्मण के किरदार के लिए सनी सिंह की कास्टिंग भी तय कर ली गई है। सोनू की टीटू की स्वीटी फेम अभिनेता है सनी सिंह। अभी तक सबसे ज्यादा जिसका इंतजार हो रहा है वो है उर्मिला का। आखिर कौन सी एक्ट्रेस ने बाजी मारी है इसके लिए और काफी बड़े नामों का पत्ता भी काट दिया है इस लिस्ट से। तो आपको बता दें, उर्मिला का किरदार निभाने वाली है साउथ की एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश। इस रोल के लिए अनुष्का शेट्टी का नाम भी चर्चा में था। लक्ष्मण की उर्मिला बनने के लिए कीर्ति सुरेश को फाइनल किया गया है। फिलहाल उनके बहुत कम सीन्स होंगे इसमें, क्योंकि ये फिल्म रामायण के परिप्रेक्ष्य से बनी है। कीर्ति सुरेश ने दक्षिण भारत की फिल्मों में काफी नाम कमाया है। मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों पर भी उनकी पकड़ है। फिल्म महानदी के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। इस फिल्म में उन्होंने गुजरे जमाने की एक्ट्रेस सावित्री की भूमिका निभाई थी। कीर्ति सुरेश इन दिनों महेश बाबू की फिल्म पाटा की शूटिंग में बिजी है। बताया जा रहा है कि इसके बाद वो आदि पुरुष की शूटिंग शुरू करेंगी। आदि पुरुष 3D फॉर्मेट पर बन रही है। भारी भरकम वाली बजट का इस फिल्म का फैंस को काफी इंतजार। हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम 5 भाषाओं में ये फिल्म रिलीज होगी। आपको बता दें, ये फिल्म 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली है। स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी का भी इस फिल्म को लाभ मिलेगा। आपको बता दें, इस फिल्म का बजट 350 करोड़ से लेकर 400 करोड़ के बजट की उम्मीद है। रावण महाराज को रावण को मारने के लिए समंदर पार करना पड़ता है, और उसी रावण को मारने के लिए बड़ा जिगर भी होना चाहिए। कौन सा राज छुपा है फिल्म में? क्या आप जानते हैं कि आदि पुरुष के पोस्टर में मूवी से जुदा एक बहुत बड़ा राज छुपा है? कौन सी मूवी इससे पहले टॉलीवुड में कर चुकी है कृति? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राम स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। बाहुबली फिल्म स्टार प्रभास की आने वाली अगली फिल्म का ऐलान हो चुका है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों में अभी से ही क्रेज देखा जा रहा है। इस फिल्म के लिए प्रभास ने अजय देवगन स्टारर फिल्म तानाजी के निर्देशक ओम राउत से हाथ मिलाया है। फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर तो कब का रिलीज हो चुका है, और इसे शेयर करते हुए कैप्शन दिया गया था कि बुराई पर अच्छाई की विजय। अब इसके साथ ही इस फिल्म की कहानी को लेकर चर्चाएं तेजी से शुरू हो गई हैं। हमने भी इस फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर को ध्यान से देखा तो पाया कि इस फिल्म की कहानी इसी फर्स्ट लुक पोस्टर में छिपी हुई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि फर्स्ट लुक पोस्टर में ऊपर की ओर भगवान शिव की तरह एक छाया दिख रही है, तो वहीं बीच के हिस्से में धनुष बाण लिए श्री राम की छाया और इसके साथ ही पवन पुत्र हनुमान की तरह एक झलक दिख रही है, जबकि पोस्टर के निचले हिस्से में रावण के 10 सिर की तरह एक छाया बनी हुई है। तो इस पोस्टर से सब कुछ साफ हो जाता है कि फिल्म की कहानी क्या होने वाली है। वैसे आपको बता दें कि इस फिल्म के साथ ही अदाकारा लंबे वक्त के बाद तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने जा रही हैं। बता दें कि इससे पहले अदाकारा कृति सेन ने महेश बाबू स्टारर फिल्म नैनो कक्का डाइन से तेलुगु डेब्यू किया था,
इसके अलावा वो नागा चैतन्य के साथ भी एक फिल्म में नजर आई थी। इसके बाद एक्ट्रेस ने बॉलीवुड फिल्मों की दुनिया में अपना सिक्का जमाया और हीरोपंती से लेकर लुका छुपी समेत कई शानदार फिल्में दर्शकों को दी है। कृति सेनन की तेलुगु सिने वर्ल्ड में वापसी को लेकर साउथ धरती से जन्मी हूँ मैं, जनक की दुलारी, मिथिला की राजकुमारी। हम अपनी पुत्री को सीता बनाएंगे। समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक अवसर देता है, वो क्षण नहीं है। राजा जनक से एक अनोखा उपहार देंगे, विजय माता राजकुमारी सीता के साथ विवाह कर दिया जाएगा। जो धर्म मेरी माँ ने मुझे सिखाया है उसे साक्षी मानकर वचन देता हूँ, तुम्हारे गौरव और मर्यादा पर किसी भी परिस्थिति में आंच नहीं। आखिर कौन निभा रहा